इस लड़के को गॉड ने एक ऐसी एबिलिटी दी है कि ये लिटरली इमॉर्टल है, और तो और ये किसी भी इंसान, जानवर या चीज में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है और अपने बॉडी में से उस चीज को भी निकाल सकता है। ये अपने हाथ से स्पीयर बना सकता है, ये अपने मुंह से फायर वाली एबिलिटी यूज करता है और बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन गॉड ने इसको ये सारी की सारी चीजें फ्री में नहीं दी है, उन्होंने इससे हर एक चीज ले ली है और अब इसकी जिंदगी एक रेस बन चुकी है, क्योंकि इसके पीछे लगे हैं इस दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स जो कि बार बार इसे मार के इससे ये एबिलिटी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, चलिए देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा हीरो फुशी फाइनली गुगु के साथ दोस्ती कर लेता है और वापस से ये लोग अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं और अब सब लोग बड़े हो चुके हैं और सबकी जिंदगी मस्त चल रही है और हमारे एनिमीज नौकर्स भी इस वक्त बहुत दूर है हम लोग से और 4 साल भी बीत चुके हैं। तो क्या स्टोरी ऐसे ही हैप्पी रहेगी, चलिए देखते हैं ना। तो ये एपिसोड की शुरुआत में हमें बताते हैं कि हमारी मेन गर्ल जिसका नाम होता है रीन, उसका 16th बर्थडे आने वाला होता है, तो वो अपने बर्थडे पे इनवाइट करती है फुशी को और तो और हमारे गुगु को। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि फुशी की दाढ़ी भी उग चुकी है, ये बंदा बड़ा हो रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि फुशी ने इतने 4 साल में क्या क्या किया। उसने यहाँ पे हमारे गुगु के साथ खाना पकड़ना सीखा, मछली पकड़ना सीखा, खाना बनाना सीखा, साफ सफाई करना सीखा और बहुत कुछ करना सीखा। उसके बाद हमारी रीन हमारे हीरो से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि गुगु को क्या पसंद है। तो हमारा हीरो कहता है कि उसको पसंद है क्रेफिश, जो कि एक लॉबस्टर की तरह होती है। फिर यहाँ पे लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी रीन बैठी होती है वेट करते करते एक मास्क बना रही होती है और हमारा हीरो भी यहाँ पे एक मास्क बना रहा होता है उसके साथ ही साथ। यहाँ पे लोग बातें करते हैं और तभी हमारी रीन कहती है कि उसके पेरेंट्स कोशिश करेंगे कि उसके बर्थडे के दिन वो लोग उसकी शादी करा दे एक लड़के के साथ। तो वो चाहती है कि वो किसी एक इंसान को अपने साथ लेके जाए जो कि उसका बॉयफ्रेंड के जैसा प्रिटेंड करेगा। फिर हमारा हीरो फुशी उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि बॉयफ्रेंड क्या होता है। तो फिर रीन उसको एक्सप्लेन करती है कि बॉयफ्रेंड एक ऐसा लड़का होता है जो तुमसे बहुत प्यार करे और गर्लफ्रेंड एक ऐसी लड़की होती है जो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करे। तो ये सब सुन के हमारा हीरो फुशी कहता है तब तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को गुगु ही बनना चाहिए क्योंकि गुगु तुमसे बहुत प्यार करता है। उसी वक्त रीन बोलते ही उसने ये मास्क बना लिया हमारे गुगु के लिए जो कि एकदम क्रेफिश जैसे दिखता है और वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा लगा। मीनवाइल हमारे हीरो फुशी ने भी यहाँ पे एक कंबल बनाया होता है और ये सारी की सारी चीज गुगु पीछे से देख रहा होता है। और भाई मैं कैसे बोलना भूल गया कि हमारा गुगु लिटरली एक गीगा चैट बन चुका है। और उसी वक्त उसके बेकार भाई की एंट्री होती है। इस बंदे ने हमारे छोटे लड़के गुगु को सड़ने के लिए छोड़ दिया था, वो भी अकेले। ये भाई सारा का सारा पैसा लेके भाग गया था, तुझे हक नहीं बनता है गुगु को अपना भाई बोलने का। फिर उसके बाद हमारा फुशी यहाँ पे इसे कहता है कि तुम्हें पता है ना रीन की गुगु तुमसे कितना प्यार करता है, तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर रीन हल्का सा ब्लश करती है। तभी यहाँ पे आते हैं हमारे बुढ़ऊ दादाजी जो कि यहाँ पे आके बोलते हैं अरे वाह फुशी तुमने मेरे लिए कंबल बनाया, ये तो बहुत काम का है। उसी वक्त रीन बाहर भाग के जाती है गुगु को उसका मास्क देने के लिए। तब वो देखते कि यहाँ पे असल में गुगु अपने भाई से बात कर रहा होता है, जहाँ पे गुगु एकदम शांति से खड़ा होता है और उसका भाई उसको बोल रहा होता है कि ब्रो मैंने अभी मेरी जिंदगी सेट कर ली है, अब मैं एक बिजनेस रन करता हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे लिए काम करते, क्यों ना तुम और मैं वापस से साथ में रहें, चलो मेरे साथ। तो ये सुनकर गुगु अपने भाई के ऊपर भड़कता और कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुमने मुझे छोड़ दिया था लेकिन उसके बाद मुझे मिला मेरा असली भाई जो कि है फुशी, वो मेरा छोटे भाई जैसा है और मुझे उसी के साथ रहना है। यहाँ पे मेरी दादी और मेरे दादा भी रहते हैं, भले ये लोग मेरे दिल के रिश्तेदार नहीं है लेकिन मैं इनके साथ रहूंगा। और हाँ यहाँ पे एक लड़की रहती है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा, तुमने मुझे छोड़ दिया था। ये सब सुन के हमारा जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि गुगु मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तुमने यहाँ तक कि मुझे अंगूठी भी दी थी। और हमारा गुगु इस अंगूठी को हाथ मार के फेंक देता है। तो हमारा बड़ा भाई खड़ा होता है, बोले अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो प्लीज मेरे पास आ जाना, लेकिन गुगु उसको कुछ जवाब नहीं देता और वो अपने फ्लैशबैक को याद करते कैसे वो अपने भाई के गोद में बैठ के हमेशा जिंदगी जीता था। फिर वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा, ऐसा बोल के वो अपने फैमिली के बारे में बात करता और यहाँ से निकल लेता है। मीनवाइल बड़ा भाई यहीं पे खड़ा रहता है और कुछ टाइम बाद वो हमारे शॉप के अंदर जाता है और वहां घुसने के बाद वो कहता है कि क्या प्लीज आप ये अंगूठी गुगु को दे सकते हो मेरी तरफ से। तभी ये अंगूठी रिंग देखती है तो उसको याद आता है कि अरे ये तो वही रिंग है जो मुझे मेरे पापा ने दी थी और ये रिंग तो मैंने दी थी उस लड़के को जिसने मेरे लिए मेरे डॉग को वापस लाया था। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में बचपन से ही रीन को हमारे गुगु के ऊपर क्रश था। वो अपनी मेड से गुगु के बारे में हमेशा पूछती थी कि वो इतना सब्जी क्यों बेच रहा है इतने छोटे उम्र में, वो हमेशा ऐसा क्यों करता था। तो एक दिन जब उसका डॉग गायब हो गया तो जब गुगु ने उसको पकड़ा तो वो खुशी खुशी गुगु को देख के अपना रिंग उसको दी थी, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं। फिर उसके बाद वो कहती कि अच्छा तो तुम ही वो लड़के थे जिसने मेरी हेल्प की थी पहले, मैं बहुत खुश हूं, ऐसा कह के हमारी रीन बहुत खुश होती है। और फिर वो भाग भाग के जाती है गुगु के पास उसको वो रिंग देने के लिए, लेकिन तब वो देखते कि गुगु यहां पे आराम से सो रहा होता है आलू के ऊपर। तो रीन उसके बगल में बैठ के उसे देख रही होती, मतलब यार डेफिनेटली रीन बहुत प्यार करती है गुगु से। आई होप कि गुगु का अभी खराब हुआ चेहरा इसे तकलीफ न दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज एक नए एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस इन सब के लाइव मैच देख सकते हो और बहुत आसानी से पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। इन सब मैचेस पे गेम खेलने पे आपको आईफोन मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है और ऐसे आप बहुत सारे कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। और इस ऐप में सबसे अच्छी बात यह है कि आप लाइव स्पोर्ट्स के रिजल्ट भी देख सकते हो एंड उसी मैच के आप स्कोर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और स्कोर प्रेडिक्ट करने से आप ये कर सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम के कितने रन होंगे और किसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा। और इसके अलावा इधर और भी बहुत सारे गेम्स भी है जो कि आप खेल सकते हो। और अगर आपने मेरा प्रोमो कोड सस्पेक्ट
डिपॉजिट यूज किया रजिस्टर करते हुए, तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 33,000 तक का बोनस भी मिलेगा। और आप बड़ी ही आसानी से पेटीएम या और किसी बैंक से आराम से आप अपने जीते हुए पैसे को भी विड्रॉ कर सकते हो। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ और तो और कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने 1x का लिंक देके रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और मेरा प्रोमो कोड सस्पेक्ट यूज करना, ताकि आप लोग आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर सको और बड़े आराम से कैश प्राइज जीत सको। फिर वो ये रिंग लेती है और गुगु के हाथ में घुसेड़ती है, लेकिन अब गुगु बड़ा हो चुका तो ये रिंग उसके हाथ में नहीं जाता। वो बड़ी कोशिश करती है, उतने में गुगु उठता है और फिर रिन उसको बोलती है कि अरे क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ किसी और से, अगर तुमने आगे कुछ नहीं किया तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी बीच में दोनों के दोनों बहुत ब्लश करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रिन भी यहाँ पे शर्मा रही होती है। ऑफ कोर्स रिन को गुगु पसंद है और गुगु को भी रिन पसंद है, लेकिन यार ये दोनों शर्मा रहे हैं, दोनों के दोनों बच्चे हैं, 16 साल के हैं दोनों। वेल उसके बाद रिन यहाँ से शर्मा के निकल लेती है और हमारे बूढ़े दादा बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ अंदर, तुम्हें रिन के बर्थडे में जाना है और मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एक नया मास्क जो कि तुम्हारे काम आएगा उन नौकर से लड़ने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक नई एबिलिटी डाल के रखी है, ये है पत्थर का, और तो और मैंने इसके मुंह के अंदर एक टॉर्च लगाया जिसके मदद से तुम डेफिनेटली आग लगा सकते हो। तो हमारा गुगु यहाँ पे अपने मुंह से फायरबॉल फेंकता है, जो देख के दादाजी बोलते हैं अरे मेरे गुगु बहुत बढ़िया काम, अब तो तुमसे वो बंदी सेट हो जाएगी। वेल इसके बाद गुगु अपने साथ कुछ सामान लेता है रिन के बर्थडे पे जाने के लिए और फिर दोनों भाई गुगु और फुशी साथ में निकलते हैं, लेकिन निकलते हुए दादाजी पता नहीं क्यों रोते हुए गुगु से कहते हैं गुगु तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ रहते थे, मैं तुम्हें अपना पोता ही मानता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो, प्लीज बहुत जल्दी वापस आना मेरी पोती को अपने साथ लेके और शादी कर लेना है उससे। इसके बाद दादाजी यहाँ पे रोते रहते हैं और फिर कहते हैं क्या पता जब तक गुगु वापस है तब तक मैं रहूं या ना रहूं, ऐसा कह के वो दादी के साथ बात कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमारे हीरो मस्त मार्केट से चल के जा रहे होते हैं, तभी हमारे हीरो सोचते हैं कि इन लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट लेना चाहिए। उसी वक्त गुगु यहाँ से वही पर्पल वाला फ्लावर उठाता है जो कि उसने देखा था कि उस टाइम पे जब रिन वो फ्लावर ले रही थी नदी के किनारे जब उसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कहता है कि ये फ्लावर मैं उसको दे दूंगा। फिर ये लोग पहुंचते हैं रिन के घर के पास जो कि एक बहुत बड़ा सा आलिशान पैलेस होता है, यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीजें होती है और हमारा गुगु और फुशी फटाफट खाना खाने के लिए लगते हैं और सब लोग इनको देख के बोलते हैं अरे ये गांव वाले लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन लोग को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, इन लोग में तो कुछ मैनर्स ही नहीं है, कितना अजीब है ये बंदा। और तभी रिन यहाँ पे आती है और वो फुशी और गुगु को देख के बहुत खुश होती है और वो गुगु के मास्क को पकड़े कहती है कि तुम्हारा फेस कितना मस्त लग रहा है, तुमने क्या नया मास्क बनाया है, और वो ब्लश करने लगती है, मतलब भाई बंदी सेट हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि रिन और गुगु ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। फिर रिन हमारे गुगु से सॉरी बोलती है कि मैं उस दिन तुम पे भड़क गई और तुम्हारे ऊपर मैंने आलू मारा। फिर हमारा फुशी उसे गिफ्ट देता है और तो और गुगु भी उसे वही फ्लावर दे देता है, लेकिन ये फ्लावर देख के सब लोग शॉक होते हैं वो, और यहाँ तक कि रिन भी शॉक होती है। तभी सब लोग कहते हैं कि तुमने रिन को ये फ्लावर क्यों दिया, यहाँ तक कि रिन भी पूछते हैं गुगु तुमने ये फ्लावर चूज क्यों किया, तो गुगु कहता है कि ये फ्लावर बस मुझे लगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे मेड आती है और कहती है कि तुम गधे इंसान हो, तुम्हें याद नहीं कि 4 साल पहले हमारी मेम साहब के साथ क्या हुआ था, वो नदी के किनारे गई थी और उन्होंने जब ये फ्लावर टच किया तो उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था, उनके बॉडी पे एक खरोच आ गई थी, तो ये फ्लावर उनके लिए अनलकी है, तुम्हें ये नहीं देना चाहिए था। तो ये सुन के हमारा गुगु यार टेंशन में आता है, कहता है कि अरे सॉरी मुझसे गलती हो गई, और वो बोलता है कि रिन अगर तुम चाहो तो मैं ये फ्लावर वापस से ले सकता हूँ, लेकिन रिन कहती है नहीं मुझे ये फ्लावर पसंद है, ऐसा कह के रिन यहाँ से निकल लेती है। लेकिन गुगु अभी भी टेंशन में होता है, तभी रिन ऊपर जाकर सोचती है कि इस फ्लावर के बारे में गुगु को कैसे मालूम पड़ा, ये फ्लावर तो मैंने अब तक सिर्फ एक ही बार देखा था वो भी वो नदी के किनारे, उसके बाद किसी को ये पता ही नहीं था कि मेरा कनेक्शन क्या है इस फ्लावर के साथ। मीनवाइल यहाँ पे एक लड़का जाता है हमारे गुगु के पास और कहता है कि ओए तूने इतना खराब सा मास्क क्यों पहन के रखा है, इसको निकाल यहाँ से, ऐसा बोल के वो गुगु के ऊपर हमला करता है और उसका मास्क निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच में गुगु स्लिप होकर पानी के एक पॉन्ड में गिरता है। तो यहाँ पे फटाक से रिन आती है और बोलती है गुगु क्या हो गया, ऐसा बोल के जाती है गुगु के पास और उसके मुंह को पोंछती है, वो वापस से ब्लश कर रही होती है क्योंकि उसे गुगु बहुत पसंद है। फिर वो कहती है कि अगर तुमने मास्क कभी निकाला नहीं तो तुम्हें कौन किस कैसे करेगा, आई मीन लिटरली बंदी तुझे हिंट्स दे रही है ब्रो, एक्सेप्ट कर ले। वेल ये देख के सब लोग यहाँ पे गुगु के ऊपर हंसते हैं और यहाँ तक कि रिन के पेरेंट्स भी आके बोलते हैं कि तुम बार बार उस लड़के के पास मत जाओ क्योंकि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड यहाँ पे आया है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये खनचक्कर आदमी जो कि एक्चुअली नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल बंदा हमारे रिन के साथ बात कर रहा होता है क्योंकि वो उसका होने वाला हस्बैंड होता है, वो रिन के ऊपर इतने सारे मूव्स करता है लेकिन रिन उसे भाव नहीं दे रही होती। ये सब देख के गुगु का दिल टूटता है, वो फुशी से कहता है फुशी हम लोग को जाना चाहिए यहाँ से क्योंकि हम लोग अभी रिन की जिंदगी में वापस कभी नहीं आ पाएंगे, मुझे ऐसा लगा कि रिन हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी, पर ऐसा नहीं है, आज रिन की शादी हो जाएगी और उसके बाद रिन हमसे कभी वापस नहीं मिल पाएगी, तो मैं ये चीज नहीं देख सकता, तो फुशी चलो मेरे साथ। तो फुशी कहता है ठीक है बस मुझे खाना खा लेने दो यार, भूख लगी बहुत तेज, आई मीन फुशी तू क्या बंदा है यार। फिर वो कहता है कि लेकिन रिन की शादी उस बंदे से क्यों होगी, तुमसे क्यों नहीं, गुगु रिन तुमसे प्यार करती है और तुम भी रिन से प्यार करते हो, तो जाओ और उसे बता दो। लेकिन हमारा गुगु कहता है नहीं मैं बाहर जाके वेट करूंगा, ऐसा बोल के वो एकदम बाहर पता नहीं कैसे एकदम एज पे खड़ा होकर नजारे देख रहा होता है। आई मीन ब्रो ये एक पैलेस है, यहाँ पे ऐसा एज वाला बालकनी वाला एरिया क्यों बना के रखा है तुम लोगों ने, जो कि लिटरली तुम्हें खाई में गिरा सकता है, इतना भी अक्कल नहीं है तुम्हें। तभी रिन यहाँ पे भाग के आती है और कहती है कि गुगु तुम जा रहे हो बट मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, तुम मुझे क्या बता सकते हो कि तुम ये मास्क क्यों पहन के रखते हो और तुम्हारी वो इंजरी क्या है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी हेट नहीं करूंगी तुम्हारा सच जानने के बाद। तो गुगु कहता है कि सच ये है कि मैं एक बड़े से क्लिफ से गिर गया था और उसके बाद बूढ़े दादाजी ने मुझे ढूंढा और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया जिस वजह से मेरे चेहरे की पूरी वाट लग गई, मेरा चेहरा ऐसे खराब कैसे हुआ था क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ का लॉग आके गिर गया था जिसकी वजह से मेरा सर पूरी तरह से फट गया था।
था। तभी रीन पूछते कि तुम लिफ्ट से गिरे कैसे, तो वो कहता था कि एक लकड़ी का टुकड़ा बहुत तेज घूम घूम के आया और मेरे सर पे लगा। असल में नदी के किनारे एक लड़की थी जो कि एक फ्लावर देख रही थी और वो डॉग उसके ऊपर गिर रहा था। मैं भागा बचाने के लिए उसे और उसी में वो मुझे लग गया। तो रीन बोलते क्या वो लड़की यही फूल देख रही थी, वो इसी फूल के पास जा रही थी, है ना, तुमने उस लड़की की जान बचाई और उसी चक्कर में तुम्हें लग गया। मैं जानती हूँ कि वो लड़की तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई थी, है ना। तभी ये कहता है कि हाँ वो लड़की के बॉडी पे एक हल्का सा खरोच भी था। वेल भले ही मेरी इंजरी ज्यादा थी लेकिन वो इंजरी उसके लिए बहुत एम्बेरसिंग थी और मैं जब ये चीज उसे बता नहीं पाया तो मैं उसे छुपा रहा। ये सुन के हमारी रीन रोने जैसी होती है और गुगू के पास जाके कहती है गुगू तुमने जिस लड़की की जान बचाई थी वो मैं ही थी, ये तुम जानते हो ना। तो गुगू कहता है हाँ। और ये सीन बहुत ब्यूटीफुल होता है, आई मीन ये दोनों का रोमांस फाइनली आ रहा है और तभी गुगू और रीन दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे लोग बहुत क्लोज आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ यार इन दोनों के लिए। रीन एकदम से ब्लश कर रही होती है और वो गुगू को शायद आई लव यू बोलने वाली होती है कि उसी वक्त रीन एक कदम आगे लेती है और यार ये एनिमे मेरा दिल तोड़ना कब बंद करेगा। यहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है और हमारा गुगू जिस कोने में खड़ा रहता है वो टूट के नीचे गिरता है और गुगू नीचे गिर रहा होता है। रीन उसे गिरता हुआ देखती है और गुगू नीचे गिर जाता है। फुशी भी देखता है और तभी फुशी के पास आता है द ब्लैक थिंग, आई मीन ये गॉड वाला बंदा, और वो कहता है फुशी नॉकर्स यहाँ पे आ चुके हैं और अब एक अल्टीमेट वॉर होने वाला है। ब्रो अभी अभी मेरे भाई को इतना अच्छा मौका मिला था, क्यों तुम लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन अगर तुम लोग को मजा आ रहा है वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग को हफ्ते में 2 से 3 नए नए एनिमे के वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पे और मेरे सेकंड चैनल जिस पे मैं सीक्रेट वीडियोस अपलोड करता हूं उस पे भी आपको ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा वीडियो अपलोड किया है जो कि सीक्रेट है और उस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस साल जो कि 2023 था उसमें कौन सा एनिमे को एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है। क्या वो जुजुत्सु काइसिन होगा, कि वो डेमन स्लेयर होगा, कि वो वन पीस होगा, कि वो कोई अलग ही एनिमे होने वाला है। ये अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग वो सीक्रेट लिंक को क्लिक करिए, मेरे सेकंड चैनल पे जाइए और जाके उस सीक्रेट वीडियो को देखिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फिर इसके बाद नौकर्स ये पूरे की पूरी कैसल को तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा फुशी यहाँ पे एक एक करके सबको बचाता है। फिर वो अपने बैर वाले फॉर्म में आके इस कैसल को सपोर्ट करता है और सब लोग यहाँ से बच बच के भाग रहे होते हैं। मीनवाइल हमारा गुगू यहाँ से गिर रहा होता है और वो ये दीवार से निकले हुए जीभ को पकड़ के रखता है जो कि असल में नौकर का जीभ है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बट गुगू यहाँ से फिसल रहा होता है, उतने में नौकर अपना जीभ हमारे गुगू के हाथ में घुसड़ देता है। उतने में यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि गुगू का हेल्प करते हैं ऊपर आने में। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है, आई होप कुछ खराब ना हो। यहाँ पे हमारी रीन एकदम से रोने जैसी हो गई होती है लेकिन फिर भी गुगू एकदम सेफ रहता है। उसके बाद वो अंदर भाग के जाता है तो देखता है कि उसका भाई फुशी यहाँ पे अटका हुआ रहता है। वो बोलता है कि सब लोग यहाँ से निकल गए लेकिन सिर्फ 2 लोग रह गए जो कि होते हैं रीन के मॉम और डैड। तो हमारा गुगू इन दोनों को यहाँ से लेके बाहर निकलता है और अंदर फुशी अकेला दब जाता है क्योंकि पूरा कैसल गिर गया होता है। तो गुगू अंदर भागने की कोशिश करता है लेकिन रीन उसको रोकती है, कहती है प्लीज तुम मत जाओ। रीन के आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि रीन गुगू से कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाली होती है बट वो बोल नहीं पाती क्योंकि गुगू यहाँ से भागता है अपने भाई को बचाने के लिए। वो जैसे ही अंदर पहुंचा तो वो टेंशन में रहता है, बोलता है फुशी फुशी तुम कहाँ पे हो फुशी। उतने में फुशी यहाँ से बाहर निकलता है और वो कहता है कि हम लोग इस वक्त ठीक है लेकिन हमारे ऊपर नौकर्स ने हमला कर दिया है। उसी वक्त सामने नौकर आता है जो कि इस वक्त बैर के फॉर्म में होता है तो हमारे बॉयज उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। इस वक्त तो हमारे गुगू के पास फायर वाली एबिलिटी भी है तो गुगू अपना फायर अटैक मारता है लेकिन उससे इसको कुछ नहीं होता। ये नौकर की पूरी बॉडी स्टोन की बनी होती है तो अब हम लोग प्रॉब्लम में अटके हुए हैं। उतने में नौकर यहाँ से दीवार तोड़ता है जमीन और हमारे हीरोज नीचे गिर रहे होते हैं तो गुगू अपने हाथ से स्पीयर बना के इन दोनों को बचाता है। फिर वो वापस से ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे नौकर वापस से दोनों के दोनों जमीन को एक साथ जोड़ रहा होता है तो हमारा गुगू फुशी को बच्ची वाले रूप में करता है मार्च में और वो ऊपर फेंकता है। फिर फुशी गुगू को ऊपर लेकर आता है तो ऐसे दोनों के दोनों भाई ठीक से बच जाते हैं लेकिन अब प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है, ये दोनों इस नौकर से कैसे बचेंगे जो कि पत्थर वाले फॉर्म में है। तभी गुगू कहता है कि उसकी पूरी बॉडी पत्थर की नहीं बनी है, मैंने एक चीज नोटिस है कि उसके बॉडी में बहुत सारे क्रैक्स है तो उसके अंदर जो उसका मेन हार्ट है वो अभी भी अंदर सेफ है तो हमें बस इस क्रैक में जगह ढूंढना है और वहां से उसके ऊपर अटैक करना है वीक स्पॉट के थ्रू। तो दोनों भाई यहाँ पे डॉग फॉर्म में आते हैं, बच्चे वाले फॉर्म में आके इस नौकर के ऊपर चढ़ते हैं बैर के ऊपर। गुगू ऊपर ऊपर चढ़ के एक छेद ढूंढ देता है और कहता है कि मुझे छेद मिल गया। फिर ये लोग उस छेद को खोलने की कोशिश करते हैं, उतने में हमारा फुशी बार बार इसको स्पीयर बना के देता है और ये स्पीयर से खोल देते हैं तो अंदर इनको दिखता है उसका दिल वाला पार्ट। तो हमारा गुगू उसके अंदर अपना फायर अटैक मारता है और इस नौकर को पूरे तरह से जला देता है और इसकी पूरी बॉडी क्रम्बल होकर गिरती है। लेकिन उतने में ये नौकर अपने हार्ट में से एक रस्सी बाहर निकालता है और उसको दीवार में घुसेड़ के यहाँ से भाग रहा होता है। तो उसी वक्त हमारा फुशी यहाँ पे आके इसको काटता है लेकिन इसका मेन हार्ट अंदर घुस चुका होता है और ये दोनों जमीन पे गिरते हैं। फिर ये दोनों खड़े होते हैं, बोलते हैं कि वो तो भाग गया लेकिन हम लोग सेफ है, ऐसा बोल के ये दोनों एकदम से खुश होकर निकल रहे होते हैं। लेकिन उतने में यहाँ पे नौकर अपने बेयर फॉर्म में हाथ बाहर निकालता है और फुशी को मार्च के फॉर्म में पकड़ के दबा के मार देता है और यहाँ पे जमीन पे खून खून गिर रहा होता है। ये देख के गुगू रोने लगता है, वो बोलता है भाई तुम ठीक हो कि नहीं। लेकिन उतने में नौकर हमारे गुगू के ऊपर भी हमला करता है बट वहाँ पे आती है रीन जो कि उसे धक्का मार के बचाती है लेकिन रीन इसमें इंजर्ड हो जाती है। वो कहती है कि मैंने भी तुम्हें बचा लिया, अब तुम और मैं एक बराबर हो गए, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुनो। और वो गुगू को खींच के बाहर लेके जा रही होती है लेकिन तभी यहाँ पे पूरा एरिया गिरने लगता है तो गुगू फुशी को छोड़कर यहाँ से भागता है क्योंकि इस वक्त फुशी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये दोनों के दोनों बाहर आते हैं और सब लोग पूरे दुनिया में देख रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उतने में हमें दिखता है कि फुशी
यहाँ पे पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है और वो अपने आप को ऊपर ले जाता है। तो देखता है कि उसके आसपास गुगु नहीं होता है, वो एकदम से कांप रहा है क्योंकि उसे पता नहीं कि अभी उसे इस नौकर को कैसे मारना है। ये एकदम से इमॉर्टल आदमी कांप रहा है, वो टेंशन में है कि उसे क्या करना है, वो अपने भाई को कैसे बचाए। वो दर्द में नहीं है लेकिन वो एकदम से टेंशन में है। यहाँ पे सब लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं कि तभी हमें दिखाते हैं कि पत्थर के नीचे रीन और गुगु दबे हुए रहते हैं। गुगु ने अपने पीठ से पत्थर को सपोर्ट किया होता है गिरने से और वो रीन को बचा रहा होता है। उसने लिटरली अपने आप को एक ह्यूमन शील्ड बना के रीन को बचाया है। मीनवाइल फुशी को यहाँ पे ये बैर मार रहा होता है। तभी हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे गुगु की हालत बहुत खराब रहती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रीन उससे बोल रही थी, क्या तुम ठीक हो बहन, तुझे दिख रहा है कि गुगु की हालत खराब है। तभी वो उससे कहती है कि गुगु मैं तुम्हारे साथ नया फ्लावर लेने जाऊंगी। तो गुगु कहता है कि हाँ कल हम लोग जाएंगे और ये नया फ्लावर लेके आएंगे क्योंकि ये वाला तो फट चुका है। तो गुगु और रीन यहाँ पे बहुत खतरनाक सिचुएशन में, प्लीज इन लोग को बचा लेना प्लीज। रीन यहाँ पे रोती रहती है और गुगु के मुंह से खून पे खून गिर रहा होता है। तभी रीन गुगु का मास्क खोलती है और उसमें पूरी तरह से खून निकला होता है और वो गुगु से कहती है आई लव यू गुगु, और गुगु भी कहता है कि आई लव यू रीन। इसमें दोनों रो रहे होते हैं और इसी के साथ गुगु यहाँ पे रीन को बचाते बचाते खत्म हो जाता है। तो रीन अपने आप को ऊपर लेके जाती है, गुगु का मास्क खोल के उसको किस करती है, बट यहाँ पे गुगु खत्म हो चुका है। और ये सीन देख के मुझे बहुत दर्द हुआ। आई मीन ये एनिमे को क्या तकलीफ है भाई, जो जो कैरेक्टर हमें पसंद आ रहे हैं वो सब के सब खत्म हो रहे हैं। ये सेम वही सीन है जब अटैक ऑन टाइटन के एंडिंग में मिकासा एरेन को किस करती है। मीनवाइल यहाँ पे ये सेम चीज फुशी को भी महसूस होती है, वो समझ जाता है कि गुगु खत्म हो चुका है। और तब वो खून के आंसू रोता है और उससे कंट्रोल नहीं होता क्योंकि उसने अपने भाई को दोबारा खो दिया और वो गुगु में कन्वर्ट हो जाता है। वो पागल हो जाता है यहाँ पे दर्द से, वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो गुस्से में आके अपने मुंह से फायर अटैक मारता है इस पत्थर वाले नौकर पे और ये नौकर वापस आके हमला करता है फुशी के ऊपर। फुशी इसके ऊपर अटैक कर करके जाता है और वो पानी में गिर जाता है और बोलता है नहीं गुगु नहीं मर सकता, गुगु नहीं मर सकता। उतने में नौकर एकदम से जला हुआ रहता है और वो पानी में कूदता है। जैसे वो पानी में कूदता है वैसे वो अचानक से फट जाता है और उसके अंदर से उसका मेन कोर बाहर निकलने लगता है। तो ये देख के फुशी कन्फ्यूज होता है कि ये कैसे हो गया, और यहाँ से वो मेन कोर पानी में कूद के निकल लेता है। तभी वो गॉड वाला सिंबल बोलता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इस वक्त वो नौकर बहुत दूर भाग गया है और हाँ तुम्हारे भाई की डेथ हो चुकी है। इतने में यहाँ पे लोग आते हैं जो कि रीन को पत्थर में से बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि हम लोग खुश है कि रीन ठीक है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि गुगु कहाँ पे है। गुगु यहाँ पे जमीन पे गिरा हुआ रहता है और फुशी उसे देख के रो रहा होता है। तभी यहाँ पे गुगु का असली भाई आता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल के वो रोता है और वो रो के गुगु को अपने पीठ पे बैठा के उसे लेके जाता है वापस। तब गुगु अपने सपने में जो अपने डेथ के बाद देखता है वहां पे वो देखता है कि वो उसके भाई के पीठ पे बैठा है और वो जा रहा है दादा और दादी से मिलने के लिए। यहाँ पे वो एकदम से ठीक हो चुका है, उसका चेहरा भी ठीक हो गया और गुगु असल में बहुत हैंडसम दिखता है। तभी रीन यहाँ पे आती है तो गुगु और रीन बहुत खुश रहते हैं। रीन उसे कहते हैं कि चलो हम लोग फूल तोड़ने जाते हैं। तभी गुगु कहते हैं अरे उसी कहाँ पे गया और वो दुश्मन कहाँ पे है। उसी वक्त उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो भी वो देख रहा है वो सब असल में वो पैराडाइज में सपना देख रहा है और हर एक चीज टूटती है और वो समझ जाता है कि वो अब नहीं रहा। तभी वो देखता है कि यहाँ पे फुशी उसका भाई दादा और दादी रो रहे होते हैं, जो देख के गुगु को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो इनके पास जाता है इनको हग करने के लिए। ये सीन बहुत पेनफुल था मेरे लिए देखने के लिए। यहाँ पे पांचों लोग मिलकर एक दूसरे को हग करते हैं और गुगु भी अपने स्पिरिट फॉर्म में इनको हग कर रहा होता है। उसके बाद इन लोगों ने गुगु के मास्क को यहाँ पे रखा होता है और फुशी कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे जान पहचान के लोग ऐसे ही मरते रहे। इसके बाद हमें यह मालूम पड़ता है कि गुगु का बड़ा भाई और रीन ये सब लोग मिलकर जितने भी लोग के साथ हादसा हुआ रहता है उन लोग को हेल्प कर रहे होते हैं। उतने में रीन अपने नींद से उठी और गुगु को ढूंढने के लिए भागती है। वो जैसे तैसे करके यहाँ घर के पास पहुंची, तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे फुशी गुगु से बात कर रहा होता है जो कि अपने स्पिरिट फॉर्म में होता है और वो कहता है कि मेरे भाई मुझे माफ कर दो। इतने में फुशी देखता है कि यहाँ पे रीन आ रही होती है तो वो फटाक से जाता है पानी में, अपना चेहरा देखता है और खुद को कन्वर्ट करता है गुगु के फॉर्म में और रीन से कहता है कि अरे रीन मैं कितना खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हो। तभी रीन गुगु को हग करते हुए बोलते गुगु मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू गुगु। तो गुगु यहाँ पे आई मीन जो हमारा फुशी होता है वो उसे हग नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता है कि वो असली गुगु नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि फुशी अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ से निकल गया है तो मैं थोड़ा टाइम बाद जाऊंगा उससे मिलने के लिए। ऐसा बोल के गुगु हमारी रीन को लेकर जाता है गुगु के ग्रेव के पास और बोलता है कि ये असल में फुशी का ग्रेव है और फुशी यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये देख के रीन को बहुत धक्का लगता है और उसे लगता है कि शायद से फुशी खत्म हो गया लेकिन असल में गुगु खत्म हुआ होता है। फिर वो दादा और दादी को बाय बोलता है कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है और दादा दादी भी बोलते हैं कि हाँ गुगु को जाने दो। तो रीन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी और मैं उसी पेड़ के पास बैठी रहूंगी ताकि शाम में आओ तुम और मैं हम दोनों मिलकर वहां पे वो पौधे तोड़ेंगे। ऐसा बोल के वो अपना रिंग देती है गुगु को लेकिन गुगु बोलता है कि नहीं इसे तुम अपने पास ही रखो। फिर यहाँ पे वो दादा और दादी से थोड़े पैसे और खाना लेके निकल लेता है और रीन उसे बाय करके उसी पेड़ के पास बैठी होती है। रात के टाइम पे उसके डैड यहाँ पे आते हैं और रीन यहाँ पे बैठी होती है और उसके डैड कहते हैं कि रीन तुम उस बंदे से शादी कर लो। तो ये कहती है कि नहीं डैड मैं किसी और बंदे से प्यार करती हूँ और वो बंदा अब मेरे साथ नहीं है, वो ये दुनिया से बहुत दूर चला गया है। और इस सीन में रीन को पता चल चुका होता है कि गुगु मर चुका है और वो फुशी था जिसने रीन को हग किया था। और इसके बाद रीन बहुत रोती है और फुशी भी अपने रास्ते पे रहता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा फुशी अपने रास्ते चल के जा रहा होता है और वो दुख में होता है, वो गुगु के बारे में सोच रहा होता है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। तभी उसके सामने गॉड आता है और वो गॉड से पूछता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मुझे बताओ। तो गॉड कहता है कि मैं एक ऐसा क्रीचर हूं जिसने तुम्हें बनाया है, तो एक तरह से मैं तुम्हारा पेरेंट हूं और तुम एक स्पेशल एंटिटी हो इस दुनिया के, तुम्हें मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट बनाया है यहाँ पे जान पहचान करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और जो नौकर है वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए और वो बार बार तुम्हारे पास आते रहेंगे। तो ये सुन के फुशी अपने आप को एक फ्रूट में कन्वर्ट करता है और बोलता
था कि अगर मैं यहाँ पे फ्रूट बन के पड़ा रहा हूँ तो वो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन गॉड उसे वापस से कन्वर्ट करते हैं खुशी वाले फॉर्म में और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास वो लोग आते रहेंगे, वो लोग हमेशा तुम्हें पहचानते रहेंगे। और हाँ, एक चीज और है कि अगर नौकर ने तुमसे सारी की सारी ताकत ले ली तो तुम फिर से वो बॉल बन के घूमते रहोगे। फिर गॉड उसको बोलते हैं कि असल में तुम्हें पता है कि इस बार वो नौकर कैसे मारा, क्योंकि उसके ऊपर तुमने फायर पे फायर अटैक किया तो वो पानी में गिर गया, पानी में गिरने के बाद उसकी बॉडी एक्सपांड हुई और वो फट गया। फिर ये सुन के फुशी को बहुत गुस्सा आता है और वो गॉड के ऊपर हमला करने की कोशिश करता, तो गॉड उसे वापस से डॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता और बोलते कि तुम मुझ पे हमला नहीं कर सकते, मैं तुम्हें हमेशा बता सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर नौकर कभी अटैक करेंगे। तो यहाँ पे फुशी इससे बात करता, तभी उसे एक स्मेल आती है तो फटाक से उस स्मेल के पास भाग के जाता है, तो उसे दिखता है कि उसके सामने दादी होती है। तो दादी को बोलती, दादी आप यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तो आपको बोला था कि आप घर पे रहो। तो दादी कहती है कि जब तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं रहने के लिए, और गोहू का बड़ा भाई और रीन शॉप का ध्यान दे रहे हैं, तो तुम टेंशन मत लो, इसीलिए मैं वापस से आ गए तुम्हारे साथ एडवेंचर करने के लिए, लेकिन मुझे तुम दिखे ही नहीं। तो हमारा हीरो कहता है कि नहीं दादी तुम घर चले जाओ, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। दादी बोलती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो यहाँ पे इन लोग के बीच थोड़ा झगड़ा होता है और एंड में हमारा हीरो दादी से मार खा के बोलता है ठीक है दादी तुम मेरे साथ चल सकती हो। फिर रात के टाइम पे हमारा हीरो सो रहा होता है, दादी उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है लेकिन वो हमेशा खाना नहीं खाता, और दादी थोड़ा सा गुस्से में रहता है और कहता है एंड में कि दादी प्लीज आप मत मरना। तो दादी कहती है कि तुम टेंशन मत लो। फिर ऐसे करके ये लोग एक टाउन के पास पहुंचते हैं जहाँ पे दादी मस्त नूडल्स खा रही होती है। हमारा हीरो बोलता है दादी जल्दी करो यहाँ पे हमला हो सकता है। उतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि जो वो गॉड होते हैं वो यहाँ पे आके इससे कहते हैं कि जो नौकर है वो अभी तुमसे बहुत दूर है और वो लोग जमीन के अंदर खड़े हुए हैं और वो लोग अपने पास एनर्जी लेके आ रहे हैं। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि रात के टाइम पे फुशी नौकर्स के बारे में, गॉड के बारे में और हर एक चीज के बारे में दादी को बता रहा होता है। दादी उसको बोलती है कि अगर ऐसी वजह तुम्हें ये गॉड से हमेशा बात करते रहना चाहिए और उनसे पूछते रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ नौकर्स और हम लोग कैसे कैसे उनसे बच सकते हैं। इसी बीच में लोग रात भर बातें करते रहते हैं। फिर सुबह के टाइम पे फुशी को भूख लगता है तो वो अपने हाथ से एक फ्रूट बनाता है। दादी बोलती है कि नहीं दादी ये फ्रूट नहीं खाएगी, वो बोल रही है कि उसको पेड़ के ऊपर का फ्रूट चाहिए। तो बोलते हैं कि जाओ तुम बच्ची वाले फॉर्म में बनो और पेड़ के ऊपर से फ्रूट लाओ। तभी फुशी बोलता है बच्ची वाला फॉर्म ये तो मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रही हो, और वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाता। असल में यहाँ पे नौकर्स ने उसके अंदर से मार्च का फॉर्म चोरी कर लिया होता है, तो इसी वजह से वो मार्च के बारे में भूल चुका होता है और वो पूरी तरह से सारी की सारी मेमोरी और पावर खो चुका होता है। तो ये सुनकर दादी बोलती है इसका ये मतलब है कि तुम जब भी उन सब लोगों से लड़ोगे तब तक तुम्हारे वो फॉर्म चोरी होते रहेंगे और तुम उसके बारे में भूल जाओगे। फिर बोलता है कि वो जो लड़की मेरे से चोरी हुई वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं अभी उसे वापस से कैसे पाऊंगा। फिर ऐसे रात के टाइम पे लोग सो रहे होते हैं और तभी वो कहती है कि अगर तुम गुगु वाले फॉर्म में मर गए तो इसका ये मतलब है कि गुगु के बारे में भी तुम भूल जाओगे, तो एक तरह से तुम दो जिंदगी जी रहे हो। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि हमारा हीरो पानी के पास बैठ के अपने हाथ में हाथ को काटता है पत्थर से और बहुत सारे पत्थर और बहुत सारी चीजों के ऊपर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो एक क्रैब से अपने आप को मारता है तो वो क्रैब का भी पावर उसके पास आता है। फिर वो लोग उसी क्रैब को पकाए खाते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है कि मैं अगर मरे हुई चीज से खुद को मारूं तो मैं उसके डेड बॉडी को प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो वो बोलता है कि अगर मैं खुद के बॉडी में से गुगु की बॉडी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करूं तो वो सिर्फ एक डेड बॉडी बनकर यहाँ पे आएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। फिर वो खुद को पत्थर के फॉर्म में लेके आता है और दादी उसको बोलती है कैसे तुमने वो पत्थर के फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट किया था एनिमी को तो वो इसी तरह से मर गया था। फिर यहाँ पे लोग बात करते हैं कैसे लोग नाव में बैठ के जाएंगे एक दूसरे जगह पे और वहाँ पे अपनी जिंदगी जिएंगे। तो हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि क्या लोग एक बोट के पास आते हैं जहाँ पे एक टोपी वाली लड़की हमारी दादी को अपने साथ लेके जाती है और हमारे फुशी को एक मोटू सा आदमी लेके जाता है। और हमें तब मालूम पड़ता है कि इन लोगों को इन लोगों ने जेल में बंद किया होता है और जेल में इन लोग को स्लेव बना रहे होते हैं। तो फुशी के हाथ पे ये लोग एक सिंबल लगाते हैं जो कि अपने आप ठीक होता है, लेकिन बाकी सब लोग को यहाँ पे स्लेव बना के स्लेव ट्रेडिंग के लिए लेके जा रहे होते हैं, जो कि बहुत बेकार चीज होती है। ये लोग फिर पहुंच जाते हैं जनादा आइलैंड पे, जो कि एक हेवन होता है इन सब लोगों के लिए। यहाँ पे सब लोग की आंख और पट्टी को बांध के रखा होता है और इन लोग को लेके जाते हैं स्लेव बनाने के। तभी यहाँ पे लड़की आती है और बोलती है अरे इस लड़के के हाथ से सिंबल गायब है, इसका ये मतलब है कि ये हमारा स्लेव नहीं है, मैं इसे मेरे साथ लेके जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो हमारे फुशी को लेके जाती है। तो फुशी उसको बोलता है कि अरे मेरे साथ जो दादी थी वो कहाँ पे है, तो वो कहती कि मुझे नहीं पता दादी कहाँ पे है, लेकिन वो क्रिमिनल्स के साथ अटकी हुई है, क्योंकि इस जगह पे हम लोग सिर्फ क्रिमिनल्स को लेके आते हैं और उन लोग को यहाँ पे लेबर करवाते हैं। तो ये सुन के फुशी बोलता है कि मैं तो क्रिमिनल हूँ नहीं। ऐसा बोल के वो यहाँ से भागता है और दादी को सूंघ सूंघ के ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मालूम पड़ता है दादी एक ऊपर वाले चेंबर में बंद है, तो वो अपने आप को डॉग फॉर्म से फुशी के फॉर्म में लेके आता है और इन सब स्पीयर को कनेक्ट करके ऊपर जा रहा होता है, लेकिन उतने में वो ऊपर से नीचे गिरता है और यहाँ पे सब लोग आके देखते हैं कि फुशी अपने आप ठीक हो रहा होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम कौन हो असल में। तभी फुशी देखता है कि उसके पीछे एक मोटू आदमी होता है, तो वो उससे उसका बो एंड एरो मांगता है और उसको यूज करता है अपने एम लगाने के लिए, लेकिन वो जिस आउल के ऊपर एम लगा रहा होता है वो असल में इन सब बच्चों का होता है। तो बच्चे बोलते हैं तुम इस आउल को नहीं मार सकते। तो ऐसा गुस्से में फुशी यहाँ से निकलता है और तभी लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम्हें तुम्हारी बूढ़ी दादी चाहिए ना, ठीक है मैं उससे मिलने को तुम्हारे हेल्प करा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ये जो जगह है ये असल में एक प्रिजन है और यहाँ पे सिर्फ प्रिजनर्स रहते हैं। इसका ये मतलब है कि तुम्हारी दादी भी एक तरह से प्रिजनर ही थी, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे लेके आए थे। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी दादी वापस चाहिए तो तुम्हें इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी ये छोटी लड़की हमारे हीरो फुशी को लेके जाती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ताकि वो इस टूर्नामेंट में पार्ट ले सके। और वो कहती है कि अगर तुमने ये टूर्नामेंट जीत लिया तो तुम इस आइलैंड के किंग बन सकते हो और तुम जो चाहो तुम्हें वो इच्छा पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम इस आइलैंड को छोड़ भी सकते हो, तो तुम्हें इस टूर्नामेंट में जीतना पड़ेगा। तभी हमें ये दिखाते हैं कि फुशी के आसपास बहुत सारे हट्टे कट्टे लोग होते हैं और उससे कहा गया होता है कि उसे जीतने के लिए पहला ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो यहाँ पे एकदम एंटर टिक सके। फिर इतने में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कमेंटेटर होता है वो अपनी कमेंट्री दे रहा होता है और बोलता है कि पहला मैच स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारा एम है कि तुम्हें मरना नहीं है। वो ऐसे मस्त कमेंट्री दे रहा होता है कि उतने में एक ऑडियंस में से बंदा उसके टकले पे एक एरो मारता है और
उसको हेडशॉट लगता है और बंदा खत्म। और इसके साथ सारे के सारे गेट खुलते हैं और सारे के सारे गुंडे लोग अंदर घुसते हैं और फुशी को लात मार के जमीन पे फेंक देते हैं। फुशी यहाँ पे अंदर बैठा होता है और यहाँ पे लोग धड़ाधड़ एक दूसरे को मार रहे होते हैं। यहाँ पे इतना खून खराबा हो रहा होता है कि भाई हर सेकंड कोई ना कोई मर रहा होता है, किसी की मुंडी कट रही है, किसी का ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई लोग धड़ाधड़ कट रहे हैं। और इतने में हमें दिखता है कि एक बंदा जीतने वाला होता है। तभी ये ग्रीन आंखों वाली बंदी कहती है कि अरे नहीं, अभी भी एक बंदा जिंदा है, देखो वो गेट के पास। और ये होता है हमारा फुशी। तो ये गुंडा वाला बंदा जो कि पूरी तरह से खून से लदा हुआ रहता है, वो एक एक्स पकड़ के फुशी के टकले पे मारता है। लेकिन फुशी को कुछ नहीं होता, वो वापस से चल के आगे आता है और सब लोग बोलते हैं अरे ये बंदा मरा कैसे नहीं। तभी फुशी को याद आता है कि उसको दादाजी ने बोला होता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी यूज नहीं करनी है। फिर ये बंदा गुस्से में जाता है फुशी के पास और उसको चाकू भोंक देता है। फिर भी फुशी को कुछ नहीं होता। फुशी यहीं पे खड़ा होता है, वो चीजें पे चीजें भोंक रहा होता है। सब लोग टेंशन में होते हैं, भाई ये बंदा इतना सारा मार कैसे खा रहा है और ये अब तक खड़ा है। तभी फुशी अपने मन में सोचता है उसे क्या करना है, उसे क्या करना है। इतने में हमें दिखता है कि ये बंदा जो फुशी को मार रहा होता है वो खुद ही मर जाता है, क्योंकि कब से उसके बॉडी में से बहुत सारा खून बह रहा होता है और वो खून बहने की वजह से मर गया होता है। तो फुशी लिटरली बगैर एक उंगली लगाए यहाँ पे जीत गया और ये देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारी ये ग्रीन गर्ल यहाँ पे आती है और बोलती है ब्रो तुम तो अमेजिंग हो, तुम तो इमॉर्टल हो यार। फिर वो हमारे हीरो को बैठाती है अपने साथ और सब लोग आके उसे चिपकते हैं, बोलते हैं तुम मेरे दोस्त बन जाओ, तुम मेरे साथ बातें करो, ये करो वो करो, क्योंकि सबको लगता है कि फुशी अभी नेक्स्ट लीडर बनने वाला है। तो सब लोग आते हैं उसके साथ बात करने के ताकि फुशी उन लोग को मौका दे यहाँ से निकलने का। तो इतने में ये बच्चों की गैंग यहाँ पे आती है और बोलती है अगर तुम लोग को फुशी से बात करना है तो तुम्हें यहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा और सब लोग को दो दो रुपए देने पड़ेंगे। तो फुशी बोलता है कि सब लोग मेरे पास में क्यों आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम उनकी इच्छा पूरी कर दो। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे फुशी को घेर के रखते हैं। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि टूर्नामेंट का दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला होता है और तभी यहाँ पे ये पगड़ी वाले अंकल बोलते हैं कि तुमने फुशी को टूर्नामेंट में क्यों लगाया, ये बंदा तो जीत नहीं सकता और तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग टूर्नामेंट क्यों खेल रहे हो, कैप्टन को अगर ये सब मालूम पड़ेगा तो वो हमें मार देगा। तभी ये कहती है कि अरे आप टेंशन मत लो, हमारे पास इमॉर्टल बंदा है, ये हमें जिताएगा और हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इतने में फुशी यहाँ से गुस्से में निकल लेता है। तो फिर ये सारे के सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। तो एक एक करके सबका नाम हमें मालूम पड़ता है। ये होती है ग्रीन आंखों वाली बंदी, उसके बाद आता है मिस्टर ढोलू, उसके बाद आती है रेड गर्ल जो कि देख के लग रहा है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर ये टकलू बॉय आता है जो कि असल में टकला है नहीं लेकिन इसके बाल बहुत छोटे हैं। और उसके बाद मिस्टर पायरेट आते हैं जिसके टकले पे एक आउल बैठा होता है। फिर ये लोग ऐसे ही जाते हैं सिटी के पास और बोलते हैं कि देखो यहाँ पे एक चर्च है जो कि बहुत दूर है। फिर ये देखता है कि यहाँ पे सब लोग खेती बाड़ी कर रहे होते और तभी हमें ये दिखता है कि एक बिल्डिंग में से बहुत सारे लोगों की बॉडी टंगी हुई रहती है। तो ये देख के फुशी को टेंशन होता है लेकिन बाकी सब लोग बोलते हैं अरे ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे अपनी जान लेते ही रहते हैं और हाँ यहाँ पे तुम दूसरे इंसान को असल में मार भी सकते हो अगर तुम्हें लगे कि उसने कुछ गलत काम किया है। तो ये सब देख के फुशी बोलते तुम लोग ऐसी जगह पे खुश कैसे रह सकते हो, ये सबके सब तो स्लेव्स है। तभी वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो स्लेव वाला सिंबल बना हुआ है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं जो स्लेव्स होते हैं उनके हाथ में ये ट्रायंगल बनता है और उसके अंदर एक सर्कल होता है लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ ट्रायंगल है। इसका ये मतलब है कि हम लोग यहाँ के क्रिमिनल नहीं है, हम लोग क्रिमिनल के फैमिली को बिलोंग करते हैं और हम लोग फ्री है एक तरह से यहाँ पे। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सब लोग क्रिमिनल्स होते हैं लेकिन ट्रायंगल वाले बंदे क्रिमिनल नहीं होते हैं। फिर ये देख के फुशी बोलता है तुम लोग इतने खतरनाक जगह पे कैसे रह सकते हो, मेरे को ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोल के फुशी यहाँ से निकलता है। लेकिन ये ग्रीन आंख वाली बंदी हंसती और बोलती है तुम इतना दूर जा ही क्यों रहे हो। इसके बाद रात के टाइम पे फुशी अपने हाथ से धनुष बाण बना के प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी ब्लैक थिंग यहाँ पे आता है और बोलता है कि सुनो तुम्हें इस जगह से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी वो नौकर्स आ सकते हैं, तुम एक टाइम पे एक जगह बहुत टाइम तक नहीं रह सकते। तभी फुशी बोलता है कि हाँ मुझे भी यहाँ से निकलना है क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो यहाँ पे बहुत सारे लोग और मैं उन सबको नहीं बचा पाऊंगा। इतने में ये बोलता है कि याद है तुमने अभी किस बंदे को मारा है, तुम्हारे वजह से अभी एक छोटे लड़के की जान चली गई जिसका नाम था गुगु। ये सुन के हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है गुगु मेरे वजह से नहीं मरा। तभी ब्लैक थिंग उसको एक्सप्लेन करता है कि हाँ वो तुम्हारे वजह से मरा, अगर वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट में नहीं आता तो वो जिंदा रहता लेकिन तुम्हारे वजह से वो मर गया। तो फुशी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, ऐसा बोल के फुशी रात को सो रहा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदी आती है जिसने रेड कलर का केप पहन के रखा होता है, वो यहाँ पे आती है फुशी के पास, उसके मुंह को पकड़ती है और उसको चाट रही होती है। ये बंदी क्या चाहती है भाई, ये इतनी डरावनी दिख रही है यार। वेल इसके बाद सुबह के टाइम पे फुशी वापस से उसी कैसल के चढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसको हमारी दादी को बचाना होता है। तभी वो नीचे गिरता है और यहाँ पे आती है ग्रीन गर्ल, वो यहाँ पे आके कहती है कि तुम असल में कर क्या रहे हो। मीनवेल हमें ये मालूम पड़ता है कि टूर्नामेंट के राउंड टू में एक और बंदी जीत गई है जो असल में बहुत सारे लोग को मार मार के टॉप पे आ चुकी है और ये एक किलर है और ये वही बंदी होती है जो इस रात को फुशी को चाट रही थी। और इसका चेहरा देख के मुझे इतना तो समझ आ गया कि ये कोई और नहीं, ये वही बंदी है जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग के सीजन में देखा था, ये हमारी वॉरियर है भाई, इसका चेहरा देखो। मीनवेल फुशी यहाँ पे अपने डॉग फॉर्म में आके जमीन खोद रहा होता है, जमीन खोदते खोदते उसको यहाँ पे एक जमीन खोदने वाला एनिमल दिखता है, तो वो उस एनिमल को पकड़ता है और गलती से उसको मारता है। तो फुशी बोलता है नहीं मुझे तुम्हें नहीं मारना था, अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन इसी चक्कर में फुशी भी अब वो एनिमल में कन्वर्ट हो सकता है जो कि एक मोल होता है। तो फुशी ये मोल बन के बैठता है और जमीन खोद के जा रहा होता है लेकिन उतने में ये आउल फुशी को पकड़ता है और लेके जाता है और उसको हमारे बच्चों के बीच में फेंकता है। फिर हमें दिखाते हैं कि राउंड टू स्टार्ट होने वाला था जो कि होता है 1v1 का राउंड। यहाँ पे फुशी के सामने होते हैं हमारे दाढ़ी वाले टकलू। दाढ़ी वाले टकलू बॉय फुशी को देख के अपना गॉड स्पीड पे आते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन फुशी अपने गले पे एक एक्स बनाता है जिससे उसको पिछले दिन पे लगा हुआ रहता है और वो पूरे बॉडी पे आर्मर क्रिएट करता है। तो दाढ़ी वाले टकलू फुशी को मारते रहते हैं और उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं और उसको काटते भी हैं लेकिन फुशी बोलता है कि प्लीज अब सरेंडर कर दो, मैं आपको नहीं मार सकता। दाढ़ी वाले टकलू बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम्हें मार के जीतना ही पड़ेगा। तो फुशी अपने आपको डॉग फॉर्म में लेके आता है, टकलू बॉय के ऊपर जंप मारता है और बोलता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। फिर फुशी अपने आपको गुगु के फॉर्म में
पकड़ लेता है और यहाँ पे आग लगाता है। बोलता है देखो मेरे पास क्या क्या एबिलिटी, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। लेकिन टकलू मैन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो मैं जीतने ही वाला हूँ। उसी वक्त फुशी को महसूस होता है कि कोई और की डेथ हो चुकी है और उसके बॉडी में एक करंट दौड़ता है और ये कोई और नहीं हमारी बड़ी बहन होती है। तो फुशी बड़ी बहन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बड़ी बहन की डेथ कैसे हो गई, ब्रो ये क्या हो रहा है एनिमे में। और इतने में फुशी के ऊपर जैसे ही टकलू आदमी जंप करता है बोलता है अरे वाह ये तो कितनी सुंदर लड़की है, मुझे तुम्हें किस करना है, ऐसा बोल के वो फुशी पे जंप करता है। तो फुशी इसके अटैक को डॉज करता है और एक लात मारता है इस टकलू को और एक सिंगल लात से दाढ़ी वाले टकलू वहीं पे खत्म हो जाते हैं। आई मीन फुशी के अंदर तो बहुत ताकत है यार, लेकिन बड़ी बहन के साथ ऐसा क्यों हो गया। और अब फुशी जा चुका है राउंड नंबर 3 में। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा फुशी पानी के पास जाके देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो असल में बड़ी बहन के फॉर्म में होता है और वो कहता है ऐसे कैसे हो गया, बड़ी बहन कैसे खत्म हो गई, ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कैसे खत्म हो रहे। तभी यहाँ पे गॉड आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक और फॉर्म मिल गया है, इसका ये मतलब है कि ये बंदी भी खत्म हो गई है और अब तुम धीरे धीरे नए नए फॉर्म में आते जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आती है हमारी ग्रीन गर्ल और कहती है कि अरे तुम लड़की कैसे बन गए, तुम लड़का हो लड़की हो तुम हो क्या असल में। फिर ये ग्रीन गर्ल हमारी फुशी को पकड़ती है और बोलती तुम्हारी स्किन कितनी मस्त है, कितनी सॉफ्ट स्किन और तुम्हारे बाल इतने सिल्की स्मूथ है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि फुशी जाता है इन सब बच्चों के पास उनके गैंग में और तभी वहां पे मिस पायरेट उसे एक पानी का डिब्बा देती है और बोलती है कि इसके अंदर वो जानवर का ब्लड है, इसे पी लो और ऐश करो। तो फुशी बोलता है नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा बोल के फुशी यहां से निकल लेता है। और ये लड़की ग्रीन गर्ल जिसका नाम टोनारी होता है ये हमारे फुशी का हेल्प करती है और कहती है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको मैं चाहती हूँ कि जो जीते। फिर वो कहती है कि जिस आदमी को तुमने आज मारा उसने असल में 50 लोग को पहले ही मार रखा था, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। तो फुशी बोलता है कि मैंने गलत काम किया या नहीं किया मुझे इससे कोई लेना नहीं है, लेकिन मुझे इंसानों को नहीं मारना है, ऐसा बोल के फुशी यहां से निकलता है। तो ये सुनकर हमारी ये गर्ल रोने लगती है और बोलती है कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। तभी फुशी कहता है कि देखो दादी मेरी फैमिली मेंबर और मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ रहूं। तो ये लड़की कहती है कि लेकिन दादी एक क्रिमिनल है, उन्होंने अपने बचपन में बहुत लोग को मारा है। तो फुशी बोलता है कि उन्होंने जिसको मारा हो नहीं मारो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तभी लड़की कहती है कि उसने भी एक फैमिली मेंबर के साथ रही है जो लोगों को मार चुका है और वो उसके डैड होते हैं। तो वो कहती है कि मेरे डैड ने भी बहुत लोग को मारा था इसीलिए मैं और तुम एक जैसे ही है। तो फुशी कहता है ठीक है और इसके बाद लड़की फुशी को लेके जाती है अपने साथ अपने घर में। मीनवाइल फुशी यहां पे अपने आप को मोल में कन्वर्ट करता है, जमीन खोद खोद के यहां से निकल लेता है। फिर वो वापस से हमारी बड़ी बहन के फॉर्म में आता है और चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन वो स्लिप होकर नीचे गिरता है। जोर से बोलता है दादी क्या आप ऊपर। दादी इसकी आवाज सुनती है और बोलती है फुशी तुम नीचे क्या कर रहे हो। तो दादी कहती है फुशी एक काम करो तुम यहां से भाग जाओ, मैं एक क्रिमिनल हूं और तुम मेरे साथ मत रहो। तो फुशी बोलता है ठीक है मैं अभी के लिए जा रहा हूं लेकिन मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए, ये एक प्रॉमिस है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहां पे ये ग्रीन गर्ल अपने बुक में कुछ ना कुछ लिख रही होती है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगला दिन आ चुका होता है जब थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला होता है। यहां पे फुशी अरेना के अंदर घुसता है अपने फुशी वाले फॉर्म में, फिर वो खुद को कन्वर्ट करता है बड़ी बहन के फॉर्म में और वो ये पट्टी वाले बंदे के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। पट्टी वाला बंदा बहुत स्ट्रांग होता है, वो हमारी बहन के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। फुशी इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है और पट्टी वाला बंदा फुशी को उठा के पटकता है और उसको चोक कर रहा होता है। तो फुशी अपने आप को उस मोल के फॉर्म में लेके आता है, जमीन में घुसता है और इस बंदे के पीछे घुस के इसको मारना स्टार्ट करता है। फुशी लिटरली यहाँ पे इसको तोड़ रहा होता है। सब लोग बोलते हैं कि भाई तुम नहीं जीत सकते, ये बंदा इमॉर्टल है, ये मर नहीं सकता। फुशी बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो, तो ये बोलता है नहीं मैं सरेंडर नहीं कर सकता। उतने में ऑडियंस में से एक बंदा धनुष बाण से हमारे इस पट्टी वाले बंदे के ऊपर हमला करता है। फुशी अपने आप को उसके सामने खड़ा करता है, बोलते तुम लोग कर क्या रहे हो, हमारे ड्यूल की वाट को लगा रहे हो। तो इसी टाइम में बहुत सारे लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं, उसमें से एक एरो इस पट्टी वाले बंदे को लगता है और वो खत्म होने वाला होता है। तो फुशी एकदम से टेंशन में आता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि फुशी लड़की के साथ जाता है इसी गांव में और वो देखता है कि जो ये लड़का होता है इसके हाथ पे ट्रायंगल बना होता है। तो ये कहता है कि तुम यहां पे कैसे आ गए, तो वो बोलता है कि मैं भी एक क्रिमिनल का फैमिली मेंबर हूं और मैं उस टूर्नामेंट में इसीलिए घुसा क्योंकि मेरे को मेरे छोटे भाई को इस आइलैंड से बाहर निकालना था। तो ये सब देख के फुशी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस आइलैंड से बाहर लेके जाऊंगा। फिर ये सब देख के हमारी ग्रीन गर्ल बोलती अरे तुम इसके साथ बात करना बंद करो, चलो यहां से मेरे साथ, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो यहां पे ये छोटा लड़का फुशी को देता है एप्पल और बोलता है कि तुम ये एप्पल और पोटैटो खा लो, ये बहुत काम का है। तो फुशी अपने आप को गुगु के फॉर्म में लेके आता है, यहां पे आग लगाता है और ये लोग मस्त खाना पका रहे होते हैं कि उतने में यहां पे बहुत सारे लोग आते हैं फुशी के ऊपर हमला करने के लिए और बोलते हैं तुम्हारे इमॉर्टैलिटी की वजह से हमारा पूरा एरिया खराब हो रहा है, तुमने हमें खराब कर दिया ऐसा वैसा। लेकिन उतने में यहां पे गॉड आता है और कहता है कि फुशी नौकर्स यहां पे आ चुके हैं, यहां पे सारे के सारे गांव वाले हमारे फुशी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। उतने में एक आदमी हमारी ग्रीन गर्ल को चमाट मारता है और बोलता है ओए लड़की बाजू। तब तक यहां पे बच्चों की गैंग आती है और वो इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जमीन में से नौकर्स का एक तलवार बाहर आता है और वो फुशी को भोग देता है और उसके बाद ये पूरे एरिया में अर्थक्वेक आने लगता है और फुशी का गुगु वाला फॉर्म भी चोरी हो चुका होता है। तभी यहां पे ऊपर से बैर वाले फॉर्म में नौकर आता है और ये लड़की पता नहीं क्यों लेकिन नोट्स लिख रही होती है। तो फुशी बोलता है बहन तू भाग यहां से। उसके बाद फुशी यहां पे खड़ा होता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मैंने इसको लास्ट टाइम कैसे हराया था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि असल में फुशी का गुगु वाला फॉर्म गायब हो चुका है, तो उसकी सारी की सारी मेमोरी गायब हो चुकी है। लेकिन ये बंदी कहती है अरे फुशी तुमने इसको समन किया यहां पे, तुम तो कितने ओवर पावर्ड हो। फुशी बोलता है नहीं मुझे इससे लड़ना है, ऐसा बोल के फुशी यहां से भागता है इस बैर से लड़ने के। लेकिन बैर हमारे फुशी के ऊपर जंप मारता है, फुशी खुद को डॉग के फॉर्म में लेके आता है, जंप मारता है इसके ऊपर और इसके ऊपर कूद के अपने आप को मोल में कन्वर्ट करके इसके अंदर घुसता है और इसके सारे के सारे नर्व्स को काट रहा होता है। लेकिन ये बंदा फुशी को अपने अंदर से बाहर निकालता है और फुशी के ऊपर हमला करने वाला है। उतने में बच्चे यहां पे आते हैं और इस बैर के ऊपर हमला करते हैं और इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो
ये छोटी लड़की आती है और फुशी को यहाँ से लेके भागती है। फुशी बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे मत आओ, ये नौकर तुम्हें मार सकते हैं। उतने में यहाँ पे एक और क्रैक होता है और जिसमें हमारी ये ग्रीन गर्ल गिरने लगती है, तो फुशी उसको हेल्प करके बाहर निकालता है कि उतने में यहाँ पे सारे के सारे गांव वाले आते हैं और इस नौकर को पकड़ते हैं अपने मशीन के साथ, उसका हाथ पाव बांध के रखते हैं और फुशी बोलता है कि अब तुम लोग टीम वर्क से इसको मार सकते हैं। लेकिन तभी फुशी देखता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, तो फुशी बोलता है कि तुम लोग भागो यहाँ से, मैं तुम सबको नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन उतने में सारे के सारे बच्चे इसके ऊपर फ्लेमिंग एरो मारते हैं, तो फुशी बोलता है फटाक से मुझे वो एरो दो। ऐसा बोल के फुशी भी अपने बो एंड एरो से इसको मारना स्टार्ट करता है, तो वो अपने आप को कन्वर्ट करता है बड़ी बहन के रूप में और इसके ऊपर एम कर रहा होता है, लेकिन उसका एम नहीं लगता। तो यहाँ पे उसको एक हड्डी वाला बो मिलता है जो कि लाइट होता है, तो फुशी उसके साथ इसके ऊपर एम करना स्टार्ट करता है। फिर सारे लोग मिलकर इसके ऊपर एम कर रहे होते हैं और धड़ाधड़ गोली पे गोली मार रहे होते हैं इसे। ऐसे करते करते सब लोगों ने इसको फाड़ दिया होता है और इसी के साथ शाम होती है और इन लोगों ने मार दिया इस बैर को। उतने में ये पायलट वाली बंदी बोलती है कि आज मेरा सपना पूरा होगा क्योंकि मुझे सनसेट देखने का मौका मिल गया। इसके बाद यहाँ पे जो इस नौकर का कोर होता है, फुशी उसके पास खड़ा होता है और उस कोर में से सारी की सारी मेमोरीज फुशी के अंदर वापस से आती है। उसके पास आती है मार्च की मेमोरी, गू की मेमोरी और तो और बैर की मेमोरी। फुशी कहता है कि फाइनली मुझे मेरी मेमोरीज मिल गई। इसके बाद फुशी सबको बोलते तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और ये ग्रीन गर्ल फुशी के पास आके कहती है कि अरे तुमने ये सब बहुत मस्त किया और अब से हम लोग दोस्त बन सकते हैं। ऐसे करके फुशी और सारे के सारे बच्चे यहाँ पे मस्त खुशी मना रहे होते हैं। फिर इसके बाद सब लोग मिलके मस्त पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इनके इस विक्ट्री को जो कि ये लोग जीते होते हैं अगेंस्ट द नॉकर्स। इस वक्त हमारा फुशी ब्लड पी लेता है, क्यों पीता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ की ये कोई प्रथा होगी तो इसको ये प्रथा पूरी करनी पड़ गई। ठीक है ब्रो, तुम्हारा कुछ न कुछ मजबूरी होगा। फिर तभी फुशी इन सबको बताता है कि असल में नॉकर्स कौन होते हैं और वो ब्लैक वाला गॉड क्या है। वो इन लोग को सारी की सारी बातें बताता है, तो ये लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम उस ब्लैक वाले गॉड से पूछते क्यों नहीं कि वो तुम्हें हर बार बताता रहे कि नॉकर्स कहाँ पे है ताकि तुम उनसे दूर रहते रहो। यही सब यहाँ पे बातें होती रहती है। फिर एक एक करके सब लोग एक दूसरे का ड्रीम पूछते हैं, तो हमारा फुशी कहता है कि फिलहाल तो उसका कोई ड्रीम नहीं है। मीनवाइल यहाँ पे एक एक करके सब अपना ड्रीम बताते हैं और हमारी जो ये ग्रीन आंखों वाली बंदी होती है वो कहती है कि उसका ड्रीम ये है कि उसे उसके डैड को सरप्राइज करना है, लेकिन एक्चुअली तो उसके डैड की डेथ हो चुकी है, तो ये ऐसा क्यों कह रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे सब लोग मिलकर खराब खराब खाना खा रहे होते हैं जिसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो हमारा फुशी इन लोग के लिए अपने अंदर से मस्त मस्त खाना बना के देता है, नूडल्स पकवान कबाब ये सब। तो सब लोग मजे से ये सब खा रहे होते हैं। फिर सब खावा के मस्त हो लेते हैं क्योंकि फुशी ने जो ये नूडल्स और पकवान बनाए होते हैं ये वही होते हैं जो उसको स्टार्टिंग में वॉरियर ने बना के दिए होते हैं और जिसके अंदर सोने की दवा होती है, तो इस वजह से ये सब के सब यहाँ पे बेहोश होकर पड़ जाते हैं और फुशी को भी ये चीज रियलाइज नहीं होती है। इसके बाद फुशी वो बुक खोलता है जिस बुक में हमारी ग्रीन आंखों वाली बंदी हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती है, तो उस बुक को उसके बगल में रख के वहां से निकलने लगता है। तो ग्रीन आंखों वाली बंदी खड़ी होती है, बोलती है तुम कहां जा रहे हो, तो फुशी बोलता है बस ऐसे ही टहलने, और ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। मीनवाइल ग्रीन आंखों वाली बंदी का बैक स्टोरी स्टार्ट होता है जहां पे वो बचपन में अपने आउल के साथ रहती है और अपने बुक में हर एक चीज लिख रही होती है और वो उस बुक को पढ़ रही होती है। उसके बाद उसे दिखता है कि उसके डैड बड़ा काम करके अपने घर पे आते हैं, वो उसकी मॉम उसके डैड सब लोग साथ में मस्त मजे से रहते हैं, खुशी खुशी इनकी जिंदगी चल रही होती है। तभी एक रात वो देखती है कि उसकी मॉम ऐसे ही डेड बॉडी की तरह जमीन पे पड़ी हुई रहती है और पुलिस ने उसके डैड को पकड़ा होता है, बोला होता है कि तुमने ये काम किया है। फिर इसी वजह से उसके डैड को भेज देता है इस क्रिमिनल वाले आइलैंड पे जहां पे वो खुद भी उसके डैड के साथ जाती है। यहां पे वो देखती है कि यहां पे लोग खुले आम एक दूसरे को मार रहे होते हैं, गलत गलत काम कर रहे होते हैं और हर एक चीज यहां पे लीगल होती है एक तरह से, क्योंकि इस जगह कोई कंट्रोल नहीं करता। तब उसके डैड बोलते हैं कि बेटी अगर हमें यहां से बाहर निकलना तो मुझे उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके जीतना पड़ेगा। इस टाइम पे हमारी ग्रीन गर्ल कहती है कि नहीं फादर आप ऐसा मत करें, लेकिन उसके डैड इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी छोटी बच्ची वो टूर्नामेंट देखने से जाती है। वो यहां पे अपनी आंखें बंद करके प्रे कर रही होती है कि उसके डैड एंड में बचे रहे और उसके डैड ही जीते। तो एंड में असल में ऐसा ही होता है, उसके डैड जीतते हैं, लेकिन हमारी छोटी बच्ची को ये चीज पे यकीन ही नहीं होता है कि उसके डैड इतना खून में लिपटे हुए हैं और उन्होंने इतने लोग को मार दिया। तो वो ऐसा अज्यूम करते कि ये उसके डैड नहीं है और वो सोचते कि उसके डैड खत्म हो गए। तो ऐसा सोच के वो जाती है उसी ढेर में जहां पे हर एक की बॉडी पड़ी होती है, यहां पे ये खुद के डैड को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको उसके डैड यहां पे नहीं मिलते। वो रात दिन यहां पे ढूंढते और उसके डैड नहीं मिलते उसको, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद से उसके डैड पता नहीं कहां पे है। फिर एक दिन ऐसे ही वो नदी के पास जाती है तो वहां वो देखती है कि वहां पे एक बुक पड़ा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ये तुम्हारे डैड से तुम्हें गिफ्ट है, हैप्पी बर्थडे बेटा, और इसको तुम यूज करो अपनी स्टोरी लिखने के लिए। तो हमारी छोटी बच्ची इसको देखती है और तभी उसके पीछे उसके डैड आते हैं जिनको कुछ लोगों ने पॉइजन पिला के मार दिया होता है क्योंकि वो जीत गए होते हैं वो टूर्नामेंट। इस वजह से वो देखती है कि उसके डैड की बॉडी को ये लोग पानी के अंदर भी फेंक देते हैं और ये बोलती है कि ये इंसान तो मेरे डैड थे ही नहीं, मेरे डैड लगता है खत्म हो गए। ऐसा करके ये अपने मन में एक इल्यूजन लेके आती है कि उसके डैड शायद से अभी भी जिंदा है और पता नहीं कहीं पे खो चुके हैं, और फिर उसने इस बुक में लिखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद ये छोटी लड़की जिंदगी भर यहाँ पे बैठ के अपने बुक में लिखती रहती है और रोती रहती है। तब उसके पास आती है रेड गर्ल, फिर एक एक करके इसको इसके सारे के सारे दोस्त मिलते हैं, इसके साथ इनकी दोस्ती होती है और ये सब के सब ऐसे ही बड़े हो रहे होते हैं। फिर ये लोग यहाँ पे मिलके अपना जिंदगी निकालते हैं, ये लोग यहाँ पे आजू बाजू के काम करते हैं और लोग इनको हेट करते हैं क्योंकि ये लोग जा जाके प्रिजनर्स को यहाँ पे लेके आते थे, तो इनको पत्थर पड़ते थे और ऐसे बहुत सारा चीजें इनका होता था। फिर एक दिन ये मिली हमारे हीरो फुशी से और तभी इसको लगा कि फुशी बहुत यूनिक है, लेकिन उसी वक्त इसके पास एक लड़की आई जो अपने आप को कपड़े में बंद रखी थी और इसने उससे कहा कि इस बंदे को तुम टूर्नामेंट के लिए लेके जाओ, ये बंदा डेफिनेटली जीत जाएगा, ये मेरी बात है तुम यकीन रखना। तो ये सुन के ये छोटी लड़की फुशी को लेके गई उस बोट के अंदर और तभी उसने देखा कि फुशी तो इमॉर्टल है और वो कैसे टूर्नामेंट जीत रहा था। तो ये हर एक चीज वो अपने बुक में लिखती गई और लिखते लिखते
इसलिए उसने कहानी बहुत लंबी कर दी। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फुशी मार्च का रूप लेता है और ये रूप लेके वो इस प्रिजन के ऊपर चढ़ चढ़ के जाता है और दादी से मिलता है। दादी को देख के वो फटाक से खुद को वो मोल के रूप में लेके आता है, अंदर जंप मारता है और फुशी बन के दादी को हग करता है। दादी फुशी को देख के बहुत खुश होती है, उसे हग करते हुए बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास आ गए फुशी। इसके बाद दादी और फुशी मस्त थोड़ा बहुत बातें करते हैं। दादी रो रही होती है और फुशी उनसे कहता है कि मैं आपको यहाँ से जल्दी छुड़ा के लेके चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा बोल के फुशी यहाँ से निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फुशी की बारी आती है फाइनल फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने की, और अगर ये राउंड फुशी जीत गया तो वो डेफिनेटली जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुस रहा होता है उसी वक्त छोटी लड़की उसके हाथ पे एक लकड़ी से थोड़ा सा सिंबल बनाती है और बोलती है ये तुम्हारे गुड लक के लिए है। ऐसा बोल के वो फुशी को अंदर भेजती है और फुशी के सामने खड़ी होती है यही बंदी जो की होती है हमारी वॉरियर। वॉरियर इस वक्त अपने खतरनाक रूप में होती है और बोलती है ओए फुशी कैसा है मेरे यार, बहुत समय बाद मुलाकात हुई है। ऐसा बोल के वॉरियर रेडी होती है फुशी से लड़ने के लिए। तभी फुशी को फ्लैशबैक आता है कैसे वॉरियर ने मार्च को मारा होता है, तो फुशी एकदम खूंखार रूप में आता है और वो एकदम से गुस्से में होता है वॉरियर से लड़ने के लिए। फिर इनकी फाइट स्टार्ट होती है, फुशी अपने आप को भालू वाले रूप में लेके आता है और वॉरियर पे हमला करता है। वॉरियर फुशी को अटैक को डॉज करती है, उसके सारे के सारे अटैक को डॉज करके उसके ऊपर कूदती है और बोलती है इस बार तुम मुझे नहीं हरा सकते। ऐसे बोल के वो हमारे फुशी की एक आंख उखाड़ देती है, लिटरली फुशी के बैर वाले रूप की वो आंख निकालती है। उसके बाद वो अपने जेब में से एक ब्लेड निकाल के फुशी मारती है। तभी फुशी हमारी बड़ी बहन का रूप लेता है और खुद को बचाता है। तब वो कहती है कि अरे तुमने ये सॉफ्ट रूप लेके रखा है, तुम्हें एक बात बताऊं ये रूप तुम्हें मेरी वजह से मिला है क्योंकि इस लड़की को अभी रिसेंटली यहाँ पे आते हुए मैंने मारा था और बहुत तड़पा तड़पा के मारा उसे। उसे मैंने बांध के रखा और धीरे धीरे उसके गले को काटा, फिर एंड में जब मेरा मन उससे भर गया तो मैंने मेरे चाकू से एक स्लाइस मार के उसकी मुंडी को उड़ा दिया। ये मेरे लिए इतने शान की बात नहीं थी लेकिन मुझे उससे बदला जो लेना था। ऐसा कह के ये फुशी को गुस्सा दिलाती है और फुशी इस वक्त खून उगल रहा होता है, वो एकदम गुस्से में होता है। वो कहता है तुमने बड़ी बहन को मारा, तो ये सुन के हमारी ये वॉरियर कहती है हाँ फुशी सिर्फ तुम्हारे लिए। इस वक्त फुशी एकदम से गुस्से में होता है और वो अटैक करता है। वो अपने हाथ से एक स्वॉर्ड निकालता है और वॉरियर पे हमला करता है, तो वॉरियर उसको पकड़ती है। लेकिन फुशी अपने आप को मोल बना के गू के फॉर्म में आके हमला करता है। वो एक एक फॉर्म लेके आता है लेकिन फुशी यहाँ पे हार जाता है क्योंकि वॉरियर उसके गले पे एक सोने वाला पिन मारती है और फुशी यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। और इसके बाद वॉरियर ये आइलैंड की न्यू क्वीन बन जाती है। और तभी वॉरियर देखते हैं कि उसके हाथ में फुशी का एक चाकू का टुकड़ा लगा हुआ रहता है और इसी के साथ वॉरियर जीत चुकी है। तो अब क्या फुशी यहाँ से बच के निकल नहीं पाएगा, मुझे नहीं पता। इसके बाद हमारी वॉरियर बोलती है कि अब वो जीत चुकी है तो इसका ये मतलब है कि वो इन लोग की नई क्वीन बनने वाली है। और अब वो ये कहती है कि अभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं मैं तुम सबसे वादा करती हूँ कि तुम सब लोग यहाँ पे सेफ रह सकते हो, और एक चीज मेरा ये बोलना है कि तुम लोग इस लड़के फुशी का ध्यान दो क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये पहले मुझसे बच के भाग गया था और मैंने इसको इस आइलैंड पे लेके आई और इसको मैंने पकड़ लिया है, तो मैं इसे अपने पास रखूंगी। तुम लोग का जिम्मेदारी ये है कि तुम लोग को ध्यान देना है कि ये बंदा मुझसे दूर ना जाए, और तो और मैं तुम लोग के लिए एक नई लीडर को अपॉइंट करूं जो कि होने वाली है ये ग्रीन आंखों वाली बंदी। तुम लोग इसको अपना लीडर बनाओ, ये इसको जो करना है वो कर सकती है, लेकिन हाँ मेरी बात हर इंसान को माननी पड़ेगी, मैं तुम लोग को प्रॉपर प्रोटेक्शन दूंगी। वेल ये सब बोलने के बाद यहाँ पे हमारी छोटे छोटे बच्चे लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते क्योंकि वो लोग डरे हुए होते हैं। लेकिन इतने में हमारी ये वॉरियर अपने हाथ को काटती है उसी ट्रायंगल वाले फॉर्म में और बोलते कि देखो मैं इस लैंड की खुद एक सिटीजन बन रही हूं और मैं इसको सॉल्व करूंगी। ऐसा बोल के वो हमारे फुशी को अपने कंधे पे रख के लेके जाती है अपने रूम में। फिर उसके बाद हमें फुशी का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां पे फुशी सब लोगों से बात कर रहा होता है। यहां पे होता है हमारे गुरु का बड़ा भाई, बूढ़े दादाजी और तो और रीन, यहां पे ये इन सबसे बात कर रहा होता है और ये सब लोग उसे नॉर्मली बातें करते हैं कि तुम तो एकदम इमॉर्टल हो तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम मार्च के बॉडी में आके वापस से यहां पे निकल सकते हो और तुम्हें दादी को बचाना है ना। तभी यहां पे इसको दिखता है कि वॉरियर इसके पास खड़ी होती है, फिर वॉरियर इसको रियल लाइफ में चाट रही होती है। इस बंदी को इसको चाटने में क्या मजा आता है, वॉरियर इसके सपने में भी चाट रही होती है और रियल लाइफ में भी इसके मुंह को चाट रही होती है, क्या ये बंदा टेस्टी है क्या। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में वॉरियर को हमारा फुशी बहुत पसंद होता है और वो फुशी को किस करने वाली होती है। लेकिन उतने में यहाँ पे हमारी छोटी बच्ची आती है और कहती है कि ओए इमॉर्टल इंसान खड़े हो जाता। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे सबके सब बच्चे आ रहे होते हैं फुशी को बचाने के लिए, तो वॉरियर फुशी को उठाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इतने में यहाँ पे हमारा आउल आता है और वो यहाँ के बॉडीगार्ड लोगों के ऊपर हमला करता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बच्चे जैसे ही इस रूम में घुसे तो उन्हें यहाँ पे फुशी नहीं दिखता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि वॉरियर ने फुशी को भेज दिया होता है कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ नीचे वाले चेंबर में। और उतने में यहाँ पे बच्चे लोग का बॉस आता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ की अभी क्वीन बन चुकी हो तो सुनो छोटी बच्ची, मैंने शिप रेडी किया है, तुमको उसमें जिनको भी निकालना है तुम निकाल सकते हो यहाँ से, तो चलो तुम मेरे साथ। तो इतने में बच्चे लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि सारे के सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पे आते हैं बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए। तभी ये हमारी वॉरियर कहते कि तुम लोग को मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ, और तभी ये सारे के सारे लोग हमारे बच्चों के ऊपर हमला करने वाले होते कि उसी वक्त यहाँ पे आता है ये आउल, तो वॉरियर अपना धनुष बाण से आउल को मार देती है, तो इसके वजह से आउल की डेथ हो गई। और अब सारे के सारे बच्चे गुस्से में खड़े होते हैं इनसे लड़ने के लिए। और उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि फुशी पीछे से आता है और वो वॉरियर के मुंडी के सामने अपना तलवार रखता है, बोलता है कि अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में फुशी ने क्या किया होता है, फुशी बीच में उड़ गया होता है और उसने फुशी की बॉडी को छोड़ के अपने आप को वो छोटे मोल में कन्वर्ट किया होता है, और यहाँ पे उसने सिर्फ फुशी की एक नकली बॉडी को प्रोड्यूस करके रख दिया होता है, जैसे कि उसने क्रैब की बॉडी बनाई थी कुछ समय पहले। फिर वो सही मौका देख के यहाँ पे आता है और वॉरियर के ऊपर हमला करता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि
जहाँ पे हमारी छोटी बच्ची सबके सामने स्पीच दे रही होती है कि वो इस प्रिजन में से सब लोग को बाहर लेके जाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ 700 लोग ही जा सकते हैं। तो वो क्या करेगी, वो जो भी बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से नीचे है उनको लेके जाएगी यहाँ से, और सारी की सारी लेडीज को लेके जाएगी। लेकिन सब लेडीज को वो छोड़ती है और बोलती है कि मैं सिर्फ 7 साल से कम के बच्चों को लेके जाने वाली हूँ यहाँ से, और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं मैं उन लोग को लेके जाऊंगी, प्लस दादी जी को लेके जाने वाली हूँ, सिर्फ इतने ही लोग मेरे साथ चल सकते। तो इस बात के ऊपर सारे के सारे लोग यहाँ पे गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये गलत है। लेकिन तभी ये कहती है कि नहीं, बच्चे लोग ने कोई भी क्राइम नहीं किया। उसी वक्त ये टकलू बूढ़े आदमी बोलते हैं, अरे मैं 5 साल का हूँ मुझे भी ले लो। अरे भाई तू किसको येड़ा बना रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे पट्टी वाले ब्रो बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई तुम जाओ मैं यहाँ पे रहूंगा। लेकिन तभी हमारी छोटी बच्ची यहाँ पे आती है और कहती है कि नहीं नहीं पट्टी वाले बंदे तुम भी हमारे साथ चलोगे, क्योंकि मैंने मिस्टर इमॉर्टल से ये वादा किया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे दादी और हर एक इंसान यहाँ पे रेडी हो रहा होता है जाने के लिए। सब लोग बोट के पास खड़े होते हैं कि उतने में सारे के सारे बॉडीगार्ड सब लोग को बेहोश करते हैं और उन लोग को बोट पे फेंक देते हैं। मीनवेल हमारा फुशी यहाँ पे गुस्से में होता है और वॉरियर फुशी को भी बेहोश करती है। तभी हमें दिखाते हैं कि ये लोग फुशी को लेकर जाते हैं और एक गड्ढे में फेंक देते हैं और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे रहते हैं इस शिप के ऊपर। तभी पता नहीं कैसे लेकिन हमारी छोटी बच्ची अपने नींद से उठती है और यहाँ पे जो उसका बॉस होता है वो उसे उठा के बोलता है कि अच्छा अच्छा है कि तुम उठ गई, अब तुम बताओ कि हमें क्या करना है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इनकी शिप चल चुकी होती है और ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन हमारी छोटी बच्ची कहती है कि वो छोटे से बोट पे बैठ के जाएगी फुशी को बचाने के लिए। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल लेती है और उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पट्टी वाला बंदा होता है वो सारे के सारे बॉडीगार्ड को मार के उनका ध्यान भटका रहा होता है और हमारी छोटी बच्ची यहाँ से निकल लेती है। यहाँ तक कि बॉस भी इन लोग को मार रहा होता है और बोलता है कि इस छोटी बच्ची को जाने दो। फिर छोटी बच्ची निकलती है अपने रास्ते हमारे हीरो को बचाने के लिए। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाता है कि हमारी छोटी लड़की उसी छेद के पास जाती है जहाँ पे हमारा फुशी बंद रहता है और वहाँ पे वो एक रस्सी नीचे डालती है फुशी को निकालने के लिए। लेकिन फुशी उसके पीछे चल के आता है और कहता है बहन तू कर क्या रही है, मैं तो पहले से ही बाहर हूँ। तो ये देख के वो थोड़ी कंफ्यूज होती है, बोलती तुम बाहर कैसे आए। तो फुशी कहता है कि मैं एक मोल में कन्वर्ट हुआ और मैं खोद खोद के बाहर आ गया और कुछ नहीं। फिर इसके बाद वो लोग डिसाइड करते कि वो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन निकलने के टाइम पे बहुत तेज तेज बारिश हो रही होती है तो ये लोग बैठ जाते हैं एक केव के अंदर जहाँ पे फुशी आग लगाता है और ये लोग यहाँ पे आराम से बैठ के फ्रूट खा रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग इनका टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बात करते हैं नौकर्स और गॉड के बारे में। तभी ये लोग कहते हैं कि कैसे यहाँ पे फुशी बहुत टाइम से रुकने की सोच रहा था ताकि वो यहाँ पे रुका रहे और रुके रुके यहाँ पे वो वेट करे उन सब नौकर्स के आने का ताकि बाकी लोगों के ऊपर कोई अटैक न कर पाए। फिर यहाँ पे हमारी छोटी बच्ची बात करती है अपने फादर के बारे में और कैसे उसे पता था कि उसके फादर असल में किलर है। यही सब टॉपिक पे इनकी बातें होती रहती है और थोड़ी बहुत बातें चलती है। फिर रात के टाइम ये लोग सो रहे होते और तभी हमारी छोटी बच्ची को सपना आता है कैसे वो उसके पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थी, तो वो उनको याद करती है और हल्का सा रोने लगती है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक नई जगह पे है जहाँ पे वो अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ होती है। ये भी असल में उसका सपना ही होता है, बोलती है ये उसका फ्यूचर है। इसके बाद यहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं और हमें दिखाते हैं कि सुबह के टाइम पे बॉडीगार्ड लोग चेक करते तो फुशी यहाँ पे नहीं होता और ये बात जब हमारी वॉरियर को पता चलती है तो वो गुस्सा होती है। तभी फुशी यहाँ से निकलने वाला होता है सुबह बोट में बैठे कि तभी यहाँ पे आता है ये गॉड और कहता है कि फुशी नौकर्स आ चुके हैं। तो फुशी यहाँ से निकलता है, बोलता है कि सुन लड़की तू यहाँ से निकल जा, मुझे इसी आइलैंड पे रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो मैं नहीं चाहता कि वो लोग नौकर से मरे। उसी वक्त यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि जो यहाँ पे गड्ढा होता है जिसके अंदर इन लोगों ने सबकी डेड बॉडी को रखा होता है उन सबके अंदर नौकर्स एक एक करके घुसते हैं और यहाँ पे ये सबके सब जॉम्बी बन के आ रहे होते हैं। यहाँ पे लिटरली जॉम्बी वाला वॉर होता है, ये सबके सब जॉम्बीज एक एक करके इन सब इंसानों के ऊपर हमला करते हैं और फुशी यहाँ पे आके इन लोग को मारना स्टार्ट करता है। वो एक एक करके इनके अंदर के कोर को मार रहा होता है। लेकिन उतने में यहाँ पे हमारी छोटी लड़की आती है फुशी को बचाने के लिए, पर तभी उसके पीछे भी एक जॉम्बी हमला करता है तो उसको बचाते हैं उसके दोस्त लोग। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके सारे के सारे दोस्त लोग यहाँ पे आ गए हैं उसको बचाने के लिए। फिर इसके बाद फुशी इन सबको इंस्ट्रक्शन देता है, कहता है कि तुम सब लोग मिलके इनके कोर के ऊपर हमला करो और हम लोग इन सबको मार सकते हैं। फिर एक एक करके सारे के सारे बच्चे मिलके बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारते रहते हैं। वो लोग धड़ाधड़ इनको मारते हैं लेकिन इनका काउंट खत्म होता ही नहीं है। लेकिन एक एक करके इनके एरोस खत्म हो जाते हैं तो फुशी खुद के बॉडी से एरो निकाल के इनको देता है। उसी वक्त जो हमारी ये पायलट वाली बच्ची होती है उसके पैर पे एक नौकर पकड़ लेता है उसे और वो उसके पैर में घुस के उसे कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। इन सबको समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है छोटे बच्ची के साथ। और जब यहाँ पे रेड वाली गर्ल जाती है इस छोटी बच्ची को उठाने के लिए उसी वक्त ये छोटी बच्ची स्पीयर लेके हमारी रेड गर्ल के पेट में भोंक देती है उसे। और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में रेड गर्ल इस वक्त खत्म हो रही है और ये छोटी बच्ची ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये वाला सीन बहुत पेनफुल होता है। मतलब मैंने तो इस एनिमे में ठान लिया कि अभी मैं इसमें किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई भी फीलिंग्स नहीं रखूंगा क्योंकि इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स मरने ही वाले हैं। एक एक सीन में हर एक कैरेक्टर मर रहा है, भाई क्या हो रहा है ये, प्लीज इनको मरने मत दो। छोटी बच्ची पायरेट गर्ल के साथ ऐसा क्यों हुआ यार, वो तो कितनी इनोसेंट थी। उसी वक्त ये लोग यहाँ से निकलते हैं और हमारा फुशी रेड गर्ल को कैरी करके यहाँ से जाता है। तभी ये लोग इस रेड गर्ल को यहाँ पे बैठे ट्रीट कर रहे होते लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। हमारा फुशी अपने बॉडी में से एक एक करके चीजें बाहर निकालता है लेकिन वो पैनिक कर रहा होता है, उसे नहीं पता कि उसे इसे ठीक कैसे करना है। यहाँ पे ये लोग इसके पेट में से खंजर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो इसके और भी इंटरनल ऑर्गन टूट सकते हैं। फुशी इस वक्त पूरा कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीन में। फिर यहाँ पे फुशी का दिल टूटता है और वो बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसा बोल के फुशी यहाँ से निकलने लगता है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने आई होती है वही पायरेट गर्ल जो कि इस वक्त ज़ॉम्बी होती है। फुशी इस वक्त बड़ी बहन का रूप लेता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पे बाकी सब बच्चे रो रहे होते हैं। उसी वक्त फुशी अपने बड़ी बहन वाले रूप में होता है, भाग के जाता है पायरेट गर्ल पे अटैक करने, लेकिन उसके दिमाग में इसका
पहले का रूप आता है और वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि ये इसकी दोस्त जैसी दिख रही होती है। लेकिन उसी वक्त सारे के सारे नौकर्स फुशी के बॉडी में घुसते हैं और उसकी बॉडी फटने लगती है। तभी यहाँ पे ये सब लोग मिलकर रेड गर्ल को लेकर जा रहे होते हैं, तो उसी वक्त वापस से हमारे बिग बॉय का पैर एक नौकर पकड़ लेता है और वो रेड गर्ल का भी पैर पकड़ लेता है। तो हमारी छोटी बच्ची यहाँ से निकलती है छोटे टकले लड़के के साथ, और यहाँ पे जाने के पहले बिग बॉय ने जो किया है वो एक इंसैनिटी है। ये बंदे ने अपना खुद का हाथ काट दिया फुशी को बचाने के लिए। बिग बॉय तुम ग्रेट हो, रिस्पेक्ट ब्रदर रिस्पेक्ट। बिग बॉय भाग भाग के आता है, फुशी को उठाता है और उसको उसके मोल वाले फॉर्म में उठा के फेंकता है आउल के पास। आउल फुशी को कैरी करके यहाँ से निकल लेता है। भाई प्लीज कमेंट में लिखो बिग बॉय यू आर द बेस्ट वन। इस बंदे ने लिटरली अपने हाथ को काटा और उसके बाद बिग बॉय के कटे हुए हाथ के अंदर एक नौकर घुसता है और तभी हमें दिखाते हैं इसका सोल इसकी बॉडी लीव कर रहा है, जहाँ पे ये उस पायरेट गर्ल और तो और रेड गर्ल के साथ यहाँ पे जा रहा है पैराडाइज में। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वॉरियर अभी भी यहाँ के लोगों की मदद कर रही होती है, वो एक एक करके यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को मार रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे इस खड्डे के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज भरे होते हैं। तभी एक नौकर हमारी वॉरियर के हाथ के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो वॉरियर उसको खींच के लेके आती है और अपने हाथ में घुसेड़ती है। फिर वो इसको पकड़ती है और बोलती है तुम ही वो मॉन्स्टर हो ना, ऐसा बोल के वो इस नौकर को पकड़ के अपने हाथ से निकाल के फेंक देती है और ये नौकर यहाँ से बच के भाग रहा होता है। तभी वो दिखती है कि यहाँ पे हमारी छोटी बच्ची और तो और टकलू बॉय भाग रहे होते हैं, तो वो एम करके इनके ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन इसके बाद जो सेटिस्फाइंग सीन था भाई, हमारा फुशी यहाँ पे आता है और वो अपने भालू वाले फॉर्म में इसके ऊपर सीधा हमला करता है और बोलता है कि तुम मेरे दोस्तों पे हमला नहीं कर सकती, ऐसा बोल के वो इसका मुंह दबा के तोड़ने लगता है। वेल उसका फुशी नोटिस करता है कि सामने हमारी जो छोटी बच्ची होती है ग्रीन बाल वाली ग्रीन आंखों वाली, उसके पीछे एक नौकर ने अटैक किया होता है। उसी वक्त फुशी यहाँ पे आता है अपने गुगू के फॉर्म में और अपने मुंह से आग मार के बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे रहो, ऐसा करके वो सारे के सारे नौकर को जला देता है। उसी वक्त इसके पीछे गॉड आते हैं और कहते हैं कि तुमने सारे नौकर को मार दिया, बस तीन बचे हैं। और जैसे ही फुशी घूम के देखता है तो ये तीन कोई और नहीं उसके दोस्त ही होते हैं, बिग बॉय रेड गर्ल और तो और पायरेट गर्ल। ये लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और ये देख के सबका दिल टूट जाता है, यहाँ तक कि मेरा भी दिल टूटा था ये सीन पे। इस सीन में हमारा फुशी भी आगे नहीं बढ़ पाता इनको मारने के लिए और सब लोग रो रहे होते हैं क्योंकि इन लोग के साथ इन बाकी बच्चों ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी और अब ये सब नौकर बन चुके हैं। फिर फुशी जैसे तैसे हिम्मत करके इनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे ये वॉरियर आती है और ये हमारी ग्रीन गर्ल को उठा के आग में फेंकने वाली होती है। फुशी ये सब देख के टेंशन में आता है। तभी ये बंदी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इन दोनों दोस्तों को छोड़ सकती हूँ और तुम्हारे उन तीनों दोस्तों को भी मार सकती हूँ, बस तुम मुझे एक वादा करो कि फुशी तुम मेरे बन जाओगे। तो फुशी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उसी वक्त हमारी छोटी बच्ची बोलती है कि फुशी मेरे बारे में भूल जाओ, ऐसा कह के फुशी हमारी वॉरियर को पकड़ के इस खड्डे में कूद जाती है। लेकिन हमारा फुशी भागता है और वो इन दोनों को बचा के सामने लेके आता है, वो इनको मरने नहीं देता। इसके बाद फुशी ने इस वॉरियर के गले में बेहोशी वाली दवा मार दी होती और फुशी बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ इन लोग को खत्म करने के लिए। तभी हमारी ग्रीन गर्ल आगे बढ़ती है तो फुशी उसको बोलते तुम प्लीज इस टकलू को लेकर यहाँ से निकलो, इन लोग को मैं संभालता हूँ, ऐसा बोल के फुशी जाके अपने तीनों दोस्तों को खत्म कर देता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर लोग रहते हैं वो लोग हर एक का ध्यान दे रहे होते हैं और यहाँ पे हमारे तीनों बच्चे फुशी को लेके बैठे होते हैं इन सब बॉडीज के पास। और यहाँ पे वो लोग को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उनके दोस्त लोग इस वक्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी यहाँ पे आते हैं सारे के सारे बुजुर्ग लोग और बोलते हैं कि अरे लीडर आप तो यहाँ से निकल चुकी थी ना। तभी लीडर कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे आ गए थे आप लोग को बचाने के लिए। और तभी यहाँ के लोग रोते हैं, बोलते हैं कि हमारे वजह से इन सब छोटे छोटे नादान बच्चों की जान चली गई क्योंकि हम लोग क्रिमिनल है और ये बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद यहाँ पे ये लोग सबकी बॉडी को चलाते हैं और तभी यहाँ पे जो इनकी लीडर होती है मतलब हमारे ग्रीन गर्ल, वो इनको बोलती है कि तुम लोग को इस टाउन में अभी एक दूसरे को मारना बंद करना चाहिए और सब लोग को खुशी खुशी रहना चाहिए। ये सुन के सब लोग यहाँ से खुशी भागते हैं। फिर यहाँ से सब लोग आगे बढ़ते और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी ग्रीन गर्ल और तो और ये टकलू बॉय ने ये डिसाइड किया कि ये लोग इसी आइलैंड पे रहेंगे और यहाँ के आइलैंड के लोगों का ध्यान देंगे और फुशी यहाँ से निकलेगा अपने रस्ते पे। इसके बाद फुशी यहाँ पे सबका हेल्प करता है, सबको खाने वाने की चीजें देता है और फिर अगले सीन में फुशी नाव में बैठकर यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी ग्रीन गर्ल उसके पास आती है और इसको मिलती है। ये लोग यहाँ पे फुशी को बाय कहते हैं और ग्रीन गर्ल कहती है प्लीज फुशी किसी दिन हम लोग को वापस से मिलने आना, हम लोग साथ में रहेंगे, ऐसा बोल के हमें ये दिखाते हैं कि फुशी यहाँ पे वॉरियर के साथ निकल लेता है नाव में बैठ के। इसके बाद ग्रीन गर्ल भेजती है अपने आउल को इन लोग के साथ। कुछ समय बाद ये लोग जब पानी के बीचों बीच होते हैं तभी हमारी वॉरियर अपने नींद से उठती है और फुशी उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा कर क्यों रही हो। तो वॉरियर कहती है कि मैं तुमसे सच कहूं तो असल में जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई थी। फुशी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, प्लीज तुम मेरे साथ शादी कर लो फुशी प्लीज। उसी वक्त फुशी खड़ा होता है, बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन हमारी ये वॉरियर बहुत भीख मांगती है फुशी से, तो फुशी खड़ा होता है और अपने पैर से एक नया बोट बना के इसको बोलता है बाय बाय और निकल लेता है। लिटरली उसने वॉरियर को यहाँ पे बांध के इस बोट में छोड़ दिया जो कि पानी के बीचों बीच है। अब वॉरियर का कुछ नहीं हो सकता और फुशी बोलता है कि आई होप कि तुम मर जाओ, ऐसा बोल के फुशी यहाँ से निकल लेता है और वॉरियर का द एंड हो गया। क्योंकि उसी वक्त यहाँ पे चढ़ जाता है एक और नौकर जो कि वॉरियर के पास आता है और अब ये वॉरियर को खा लेगा। तो भाई ये सीन थोड़ा अच्छा था, सेटिस्फाइंग था। इसके बाद फुशी अपना नाव चला के निकल रहा होता है और उसके नाव पे बैठी होती है हमारा द ब्लैक गॉड। फिर फुशी यहाँ से जैसे आगे बढ़ता है तो वो एक गांव के पास पहुंचता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे फुशी जब इस गांव में पहुंचता है तो वो देखता है कि इस गांव में हमारी दादी उसका वेट कर रही होती है जो कि 5-6 मटर खा रही होती है। यहाँ पे इनके पास मतलब खाने के लिए चीजें भी नहीं होती है। फुशी इनको दूर से देखता है और सोचता है कि इन्हें दादी के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर फुशी
दादी के पास गया तो दादी भी नौकर्स के पावर में अटक जाएगी। तो फुशी यहाँ से चुपचाप निकलता है और एक कोने में जाके बैठ के सो रहा होता है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि अरे दादी के पास पैसे है कि नहीं। सोच के फुशी फटफट भाग के जाता है देखने के लिए और वो देखता है कि दादी के पास इस वक्त पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो दुकानदार होता है वो दादी को थोड़ा खाने की चीज देता है और बोलते हैं दादी आप यहाँ से आराम से खाना खाइए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। वेल फिर इसके बाद फुशी जाता है दादी का पीछा करता है और दादी एक लकड़े के घर के अंदर सो रही होती है। तो फुशी उनके थोड़े बहुत फ्रूट रख के वहां से निकल लेता है। फिर अगले दिन फुशी खुद को एक मॉल में कन्वर्ट करता है और एक डिब्बे में घुस के एक नाव में जा रहा होता है। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि अरे उसने दादी के पास तो कुछ खाने की चीज और रखी नहीं, और कुछ कपड़े भी नहीं रखे और न कि कोई लेटर रखा। अगर फुशी यहाँ पे दादी को लेटर नहीं देगा तो दादी उसका वेट करती रहेगी। ऐसा बोल के फुशी यहाँ से भागता है और एक बच्चे से पेन और पेपर लेके एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि दादी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वापस से वो नाव में बैठता है लेकिन उसको स्ट्राइक होता है कि अरे उसने दादी के लिए तो कुछ गर्म कपड़े रखे ही नहीं। ऐसा बोल के फुशी भाग के जाता है एक शॉप में, वहां से एक गर्म कपड़ा लेता है और उसको प्रोड्यूस करके दादी को देने चाहता है। तब वो देखता है कि असल में दादी को एक आदमी किडनैप करके लेके जा रहा होता है उनसे काम करवाने के लिए। तो फुशी सोचता है कि उसे दादी की हेल्प करनी है। ऐसा करके फुशी आगे निकलती है लेकिन तभी दादी उस आदमी को एक बॉन्क मारती है और वहां से निकल लेती है। ये देख के फुशी बोले चलो भाई दादी अच्छे से जीवन जी रही है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि दादी अब तक कभी हंसी नहीं है। तो फुशी बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे दादी के साथ रहना है लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं दादी के पास गया तो दादी टेंशन में आ जाएगी और नौकर्स दादी पे हमला कर सकते हैं, ऐसा वो सोच रहा होता है। तो तभी उसको गॉड कहता है कि तुम दादी के पास जाओ या मत जाओ लेकिन कुछ टाइम बाद दादी खत्म हो ही जाएगी, वो उनके 90 इयर्स के एज पे है। तो फुशी बोलता है ऐसा कैसे। तब गॉड उसको बोलता है कि असल में इस दुनिया में जो भी इंसान होते हैं वो कुछ टाइम बाद मर जाते हैं। ये सुनने के बाद फुशी वापस से नदी के पास जाता है, खुद के रूप देखता है कि उसके पास कौन से रूप है। उसके पास पायरेट गर्ल का रूप होता है, बिग बॉय का रूप होता है और रेड गर्ल का रूप होता है। इसके बाद फुशी जाता है दादी के पास रेड गर्ल के रूप में और वो कंबल रखता है। लेकिन उसी वक्त दादी उठती है और फुशी को पकड़ती है और बोलती है तुम तो मेरे फुशी हो ना। ऐसा करके दादी फुशी को हग करती है और रोने लगती है खुशी से। फिर यहाँ पे फुशी भी रोता है और उसके बाद दादी और फुशी अपने जर्नी पे निकलते हैं। यहाँ पे लोग बातें करते हैं, घूमते रहते हैं और एक बीच के पास एक छोटे से घर में रहते हैं। इसके बाद दादी फुशी के लिए मछली पकड़ती है और फुशी वो मछली को पका के दादी के साथ रहता है। और इसी तरह से फुशी और दादी मस्त खुशी खुशी रह रहे होते हैं। और जब जब फुशी और दादी को मालूम पड़ता है कि उनके आसपास नौकर्स आ चुके हैं तब तब फुशी और दादी वहां से भागना स्टार्ट करते हैं और गॉड इसमें इनका हेल्प करते हैं। और ऐसे ही फुशी बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है दादी के साथ रह रहे के, वो बहुत खुश होता है। फिर यहाँ पे दादी फुशी को बोलती है कि तुम्हें पता है जब मैं जवान थी तो मैं भी रीन की तरह बहुत ब्यूटीफुल थी। ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद फुशी निकलता है दादी के लिए एक साथ एक जगह जाने के लिए लेकिन तभी दादी अपने टोंकी के ऊपर से गिरती है और उनके दिमाग की संतुलन भी खराब होते रहते हैं। दादी बार बार भड़कती रहती है फुशी के ऊपर और वो एक एक करके चीजें भूल रही होती है। असल में दादी अपने एज पे आ गई होती है कि वो अभी खत्म होने वाली होती है। वो फुशी को मारती रहती है टकले पे और फुशी को बहुत परेशान करती है। रात के टाइम उठ के भागने की कोशिश भी करती है। फिर ऐसी वो बार बार फुशी को मारती है और फुशी इन सब चीजों को सह रहा होता है क्योंकि उसे दादी बहुत पसंद होती है। फिर एक दिन हमें दिखाते हैं कि दादी ऐसे ही एक लकड़े के घर में बैठी होती है और फुशी को बोलती है फुशी क्या तुम मेरे थोड़ा खाने की चीज लेके आ सकते हो, बाय द वे फुशी थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। तो फुशी जैसे यहाँ से निकलता है दादी के लिए खाने की चीज लाने के लिए तभी दादी इस बिस्तर पे सोती है और कहती है कि ओए ब्लैक वाली चीज जो तू फुशी को हमेशा फॉलो करता है क्या तू यहाँ पे है, अगर तू यहाँ पे है तो मैं तुझसे ये कहती हूँ कि क्या तू मुझे वापस से जिंदा कर सकता है, मुझे वापस से रीबर्थ दे सकता है किसी एक ऐसे प्राणी में जो कि फुशी के हेल्प आ सके, मैं एकदम से यूजलेस हूँ फुशी के लेकिन प्लीज ऐसा तुम कर दो। तो ये देख के गॉड कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो दादी के मुंह पे हाथ रखते और बोलते हैं कि जब तुम तुम्हारी आंखें खोलोगी तब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। तभी हमें दिखाते हैं कि दादी अपने जवानी के टाइम पे सच में बहुत ब्यूटीफुल होती है और यहाँ पे वो उसके जवानी का जिंदगी जीती है, चल चल के जाती है। और तभी उनके सामने ये गॉड आता है और एक ऑर्ब रखता है और बोलता है कि इस ऑर्ब को तुम टच करो। जैसी दादी इस ऑर्ब को टच करती है वैसी दादी अपने बूढ़े रूप में आती है और इस ऑर्ब के अंदर घुस जाती है। तभी फुशी यहाँ पे आता है और वो नोटिस करता है कि दादी खत्म हो गई। ये देख के फुशी जेन्युइनली बहुत रोता है। यहाँ बारिश होने लगती है और फुशी यहाँ पे रो ही रहा होता है। ये सीन भी बहुत पेनफुल था, मतलब लिटरली फुशी ने इस पूरे सीजन में जिन भी लोगों से मिला वो सब खत्म हो गए और फुशी अभी अकेला हो चुका है। इसके बाद फुशी दादी की बॉडी को जलाता है और उनको उनका अंतिम संस्कार देके यहाँ से निकलता है। फिर निकलते हुए वो कुछ नोट्स लिखता है और उस नोट्स में लिखा होता है दादी की दो तीन कहानियां। इसके बाद फुशी इनको यहाँ पे उनके हड्डियों को गाड़ के डोंकी के साथ निकल लेता है अपने जर्नी पे। और इसी के साथ फुशी की ये कहानी हो गई खत्म, क्योंकि फुशी यहाँ से जब आगे बढ़ा तब हमें अगले सीन में दिखाया कि यहाँ से कुछ नौकर्स निकल के जाते हैं इस वाइट बाल वाले बंदे के पास। तो अब इसका सीजन 3 अगर आप लोग को चाहिए, मतलब पार्ट 3 अगर आपको चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं इसका पार्ट 3 बहुत जल्दी लेके आऊंगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास बट और मैं बात करूंगा सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।